Today, it is last day of financial management. Okay, so let's complete very properly chapter number last 10, management of working capital. This chapter has many units as we discussed yesterday. It has 5 units: management of working capital, management of account receivable, management of accounts payable, management of inventory, and lastly management of cash, जिसमें हम cash budget बनाते हैं. अब इस चैप्टर में कुछ बहुत लेंथी वाले क्वेश्चंस भी होते हैं. आई सजेस्ट कि बिल्कुल भी ध्यान मत दो कैश बजट स्पेसिफिकली. इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल में. आप देखोगे तो दो दो तीन तीन पेज के तो सिर्फ सॉल्यूशन है, एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के तो सिर्फ क्वेश्चन है. अगर एक डेढ़ पेज का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इसका मतलब जब आईसीआई के पेपर में आएगा तो वो कम से कम 2 से 3 पेज का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पेपर का साइज छोटा होता है ऊपर और नीचे से, और स्पेसिंग बड़ा होता है. तो ऐसे टाइम पर आई सजेस्ट बिल्कुल भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए. पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए. एक बार पेपर हो जाए तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग एकदम सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं. बट अगर गलती से तुमने ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में, बीच में, कहीं पर भी ले लिए, तो ऐसा समझ लो कि एट अ वेरी बिग कॉस्ट यू आर गेनिंग दैट 10 मार्क्स, एंड दैट टू नॉट श्योर कि वो 10 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. मगर एक बात पक्की है, उस 10 की वजह से कम तुम्हारे 30 मार्क रिस्क में आ गए. I hope you are understanding my strategy. Therefore, I always say that कुछ चीजें बाजू वाले के लिए होती है और बाकी अपने लिए होती है. इतना बड़ा दिल रखो कि जब ICA का पेपर आए तो आप ऐसा समझ लो कि ICA के पेपर में से 30% शेयर उनका है, 70% शेयर अपना है. ICA का चढ़ावा, भगवान के मंदिर में भी जाते अपन लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, राइट? तो ये प्रसाद है जो हमने भगवान के पास चढ़ा दिया. 70% पहले गेन कर लो, 80% पहले गेन कर लो, फिर जो चढ़ाते अपन भगवान के पास निकलते निकलते उसमें से भी प्रसाद लेते हैं ना. बस वही करना आपने को, निकलते निकलते लेने की कोशिश करना है मैक्सिमम पॉसिबल चीजें जो ले सकते हैं आप. तो लेट्स डील विद दिस लास्ट चैप्टर. यू विल हैव अ फैबुलस टाइम टुडे बिकॉज़ इट विल बी टोटली डिस्कशंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 1 आवर. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वर्किंग कैपिटल. टेल मी द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल. करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. वी डिस्कस्ड यस्टरडे इफ यू रिमेंबर कि वर्किंग कैपिटल के टाइप्स होते हैं. एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं. बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट देयर आर 2 टाइप्स. बोलो कौन से 2 टाइप्स है? ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस बोला तो ओनली करंट असेट्स आता है, नेट बोला तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आता है. एंड बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर देयर आर 2 टाइप्स. नंबर 1 परमानेंट या कोर, या दूसरा टेम्पररी और फ्लक्चुएटिंग. ये 2 टाइप्स हमने देखे. टोटल कुल मिलाकर 4 टाइप्स हो गए. इसका मतलब क्योंकि एक कैटेगरी में 2 है, दूसरे कैटेगरी में भी 2 है. देन कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनली ये चैप्टर. अभी आई एम पर्टिकुलरली डीलिंग विद मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब यूनिट नंबर 1. 5 यूनिट में से मैं कौन से यूनिट में डील कर रहा हूं? यूनिट नंबर 1 में डील कर रहा हूं. सब लोग मेरे साथ है. ओके, तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल करने के लिए हम लोग कितना कॉलमनर फॉर्मेट बनाते हैं? 5 कॉलमनर फॉर्मेट बनाते हैं. 5 कॉलमनर फॉर्मेट आपके चार्ट बुक में भी दे रखा है. अगर आप देखोगे पेज नंबर 15 पर तो आपको वहां पर दिखेगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बेसिस, कॉम्प्यूटेशन एंड अमाउंट रुपीज. ये फिक्स फॉर्मेट होता है. 90% प्लेसेस पे यही फॉर्मेट आता है. ये क्या है? एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल है. इसका मतलब आप जो वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हो वो फ्यूचर है, अगले साल, ये जो कमिंग ईयर है इसमें कितना वर्किंग कैपिटल आपको लगेगा वो आप निकाल रहे हो. ठीक है, तो ये करंट असेट्स में फर्स्ट आइटम आता है रॉ मटेरियल स्टॉक, सेकंड आइटम आता है आपका WIP स्टॉक, थर्ड आइटम आता है फिनिश गुड स्टॉक, फोर्थ आएगा डेटर्स, फिफ्थ आएगा कैश ऑब्लिक बैंक. अगर आता है तो फिर एडवांस टैक्स या एडवांस एक्सपेंसेस कोई रहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस वो आएंगे. कमिंग टू बी पार्ट, करंट लायबिलिटीज, उसमें आएगा पहला ट्रेड क्रेडिटर्स, दूसरा आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, तीसरा आएगा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स. उसके अलावा अगर कुछ आया तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐसा कुछ आ सकता है. ये है सब टोटल ए एंड बी. ए में से बी माइनस करोगे तो नेट वर्किंग कैपिटल, जिसको हम सी बोलते हैं, वो आएगा. अगर क्वेश्चन में बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी या कंटिंजेंसी रिजर्व्स बनाओ, तो उस केस में आप जो सी कैलकुलेट कर चुके हो उसका परसेंटेज निकालकर आपको आंसर मिल सकता है. बट एक बात याद रखो, कभी कभी ये लोग बोलते हैं कंटिंजेंसी मार्जिन नॉट ऑन सी बट ऑन ई. व्हाट इज ई? नेट वर्किंग कैपिटल विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे 10%. अगर ऐसा बोला तो ऑब्वियसली हमारा कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा. फिर क्या करना पड़ेगा? जिस चीज पे वो परसेंटेज अप्लाई करने बोल रहे हैं उसको 100 अज्यूम करना पड़ेगा आपको. ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना रहेगा एंड विदाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा. आई जस्ट राइट इट फॉर यू. ए इज करंट असेट्स, बी इज करंट लायबिलिटी, सी इज नेट वर्किंग कैपिटल, डी इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ई इज नेट वर्किंग कैपिटल विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. जस्ट फॉर एग्जाम्पल से आई एम टेकिंग 10 लैक्स, 2 लैक्स, नेट वर्किंग कैपिटल इज 8 लैक्स. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 10% ऑन ई, नॉट ऑन डी, सी.
अगर सी पे रहता तो फिर तो गेम बहुत सिंपल रहता, क्या करना पड़ता, 8 लाख का 10% 80,000 एंड विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाता था 8 लाख 80,000। बट दोस्तों यहां पर क्या होगा, अब अगर ई पर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट दिस ई बी 100 बोलना पड़ेगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा 10, विदाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा 90। अब आपको समझा, तो अगर 90 वाला फिगर ये है तो 100 वाला फिगर कितना, समझा कि नहीं, ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, 8 लाख डिवाइडेड बाय 90% करना पड़ेगा तो आपको 100% अमाउंट कितना मिलेगा बताओ, 8,88,888 ये मिला, बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया 88,888, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया, इजी, यस। तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप 8,88,888 का 10% चेक कर लो, 88,888 आएगा, बराबर, यस। सो दिस इज व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टफ से टफ अगर एग्जाम में कुछ आ सकता है तो ये आएगा और कुछ नहीं आएगा, नोट करना है तो कर लो फटाफट करो, बस टाइम नहीं है अपने पास आज। सो दिस इज नेट वर्किंग कैपिटल विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला कॉन्सेप्ट, बट ये याद रखो ये तभी अप्लाई होगा जब आपका एमओएस टू बी अप्लाइड ऑन ई आएगा, यस। अब ये जो एस्टिमेशन ऑफ करंट एसेट्स के आइटम्स, रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, ये सब कैसे आता है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले सीरियल नंबर ए करंट एसेट्स की बात करेंगे तो उसमें पहला आइटम आता है रॉ मटेरियल स्टॉक, करेक्ट, ये पर्टिकुलर कॉलम है आपका, ये आपका बेसिस कॉलम है, फिर ये कंप्यूटेशन और लास्ट में अमाउंट वाला कॉलम, थोड़ा ध्यान दो अभी अच्छे से। क्वेश्चन में बोला है रॉ मटेरियल स्टॉक द बेसिस इज 1 month, मतलब क्या हुआ कि हम लोग रॉ मटेरियल स्टॉक कितना रखते हैं गोडाउन में, 1 month के स्टॉक का, मतलब यहां पर जो मशीनरी वगैरह, सपोज ये मेरा फैक्ट्री है तो ये फैक्ट्री में जितना भी मशीन में गुड्स जाता है साल भर में, तो अगले 1 महीने का स्टॉक मेरे पास रेडी होता है, मतलब आज अगर मैं परचेसेस बंद भी कर दूं तो अगला 1 महीना मेरा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, आई बात समझ में। तो फिर मुझे ये स्टॉक कितने का है ये निकालने का सिंपल तरीका क्या रहेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द होल ईयर इन दिस फैक्ट्री डिवाइडेड बाय 12 विल गिव मी पर मंथ कंजम्पशन, एंड पर मंथ कंजम्पशन, 1 month कंजम्पशन आई एम कीपिंग देयर, तो फिर मेरा कंप्यूटेशन क्या होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 12 into 1, समझे। अच्छा रॉ मटेरियल कंज्यूम कहां से आएगा, हमको कॉस्ट शीट से आएगा, कॉस्ट शीट निकालना सीख चुके हो आप लोग कॉस्टिंग में, तो कॉस्ट शीट जो कॉस्टिंग में आप निकालते थे उसमें आप क्लियरली जानते हो कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एफएम में इतना हार्ड भी नहीं आता है, एफएम में सीधा सीधा सिंपल लॉजिक क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम इज नथिंग बट पूरे साल में कितना प्रोडक्शन करना है इनटू पर यूनिट कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। सपोज पूरे साल में मुझे 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं, हर यूनिट के लिए 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, इसलिए मुझे पूरे साल में कितना अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, 10 लाख, इतना सिंपल रहता है, ठीक है। देन फ्रेंड्स रॉ मटेरियल स्टॉक के बाद आता है सेकेंड आइटम WIP स्टॉक, इसके बारे में थोड़ा लास्ट में बात करेंगे। थर्ड आइटम आता है आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स मतलब कौन से गुड्स, जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर निकल चुके क्योंकि उनका प्रोसेसिंग पूरा हो चुका है, इसलिए उसको फिनिश्ड बोलते हैं, खत्म हो गया ना वो प्रोडक्शन। तो सपोज फिनिश गुड स्टॉक 2 month का रखते हम लोग, ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, प्रोसेस होके गुड्स सामने शिफ्ट हो गए, और वो गोडाउन में कितने महीने के गुड्स है, 2 महीने के गुड्स है, तो ऑब्वियसली हमने पूरे साल में जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर किया है अगर उसको मैं डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो पर मंथ प्रोडक्शन आ जाएगा, इनटू 2 करने से 2 months का प्रोडक्शन आ जाएगा। अच्छा सर स्टॉक को तुम प्रोडक्शन कॉस्ट पे क्यों ले रहे हो, बिकॉज ऑफ AS2 कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, इसलिए हम लोग कॉस्ट स्टॉक को किस पे ले रहे हैं, एट कॉस्ट। कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट इंक्लूड होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट आएगा, पूरा रॉ मटेरियल, पूरा वेजेस एंड पूरा ओवरहेड्स, क्या आएगा बोलो, पूरा रॉ मटेरियल, पूरा वेजेस एंड पूरा ओवरहेड्स, समझ गए। तो दैट विल बी द फिनिश गुड स्टॉक, हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 12 into 2, समझे क्या यहां तक। फिर आता है आपका फोर्थ आइटम डेटर्स, डेटर्स को सपोज 2 weeks का क्रेडिट देते हम लोग, 2 weeks मतलब डेटर हमें 2 हफ्ते बाद पैसा देता है, ठीक है। तो डेटर कौन सा पैसा देगा हमको, सेल्स का, कौन से सेल्स का, क्रेडिट सेल्स का। बट दोस्तों टेल मी वन थिंग, क्रेडिट सेल्स सपोज मैं डेटर को कर रहा हूं
12 लाख का, तो मैंने मेरे जेब से 12 लाख इन्वेस्ट किए क्या? नहीं। प्रॉफिट का पैसा मैंने कभी इन्वेस्ट किया है क्या? नहीं। उस 12 लाख में से सपोज 1 लाख का प्रॉफिट है, तो डेटर्स में मैंने क्रेडिट सेल में पैसा कितना इन्वेस्ट किया है? 11 लाख। तो हमने सेल्स पर नहीं निकालना चाहिए डेटर्स, यहां पर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कर रहे हो आप लोग, कैलकुलेट कर रहे हो वर्किंग कैपिटल कितना रखना है, इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे, जितना कॉस्ट इनकर होगा, जितनी लागत आपके जेब से लगेगी, उतना ही सोचना चाहिए आपने। समझे कि नहीं? तो उस लॉजिक से डेटर्स निकालते वक्त हम सेल्स का फिगर नहीं लेंगे, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल्स की जगह क्या बोलेंगे? अच्छा, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स? जितना भी क्रेडिट सेल्स किया उसमें कितना आपने कॉस्ट इनकर किया है। सो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स फॉर फुल ईयर डिवाइडेड बाय 52 विल गिव यू पर वीक कॉस्ट, इनटू 2 वीक्स विल गिव यू 2 वीक्स कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स फॉर फुल ईयर डिवाइडेड बाय 52 करके पर वीक आया, इनटू 2 वीक्स करके 2 वीक्स का क्रेडिट का कॉस्ट आया। क्रेडिट सेल्स का कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। समझ गए? नॉर्मली आपके सिलेबस में रेशियो एनालिसिस वगैरह सब जगह डेटर्स किस पे निकलता है? सेल्स पर निकलता है, क्रेडिट सेल्स पर। सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऐसा चैप्टर है जहां पे सेल्स से नहीं निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स से निकालेंगे। समझ गए? फिफ्थ आइटम इज फेवरेट आइटम, कैश ऑब्लिक बैंक। ये फेवरेट क्यों है? क्योंकि हर वक्त ये गिवन होता है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता, डायरेक्ट जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया है वो लिखना होता है। तो एटलीस्ट कुछ नहीं आए तो कम से कम ये फॉर्मेट ड्रॉ करके एटलीस्ट ये आइटम लिख दो भाई, आधा मार्क मिलने का चांस तो है। ठीक है, तो ये था आपका करंट एसेट्स। बी आएगा आपका करंट लायबिलिटी, जिसका पहला आइटम आता है ट्रेड क्रेडिटर्स। कौन होते हैं ये लोग? जिससे हम लोग क्रेडिट पर गुड्स परचेज कर रहे हैं। कौन से गुड्स परचेज करते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल। कौन सा गुड्स परचेज करते हैं? रॉ मटेरियल परचेज करते हैं हम लोग, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम फिनिश गुड्स क्यों प्रोड्यूस करेंगे, परचेज करेंगे। तो रॉ मटेरियल परचेज फॉर द होल ईयर डिवाइडेड बाय 12 इनटू 1 इनटू 2 व्हाटएवर। समझा कि नहीं? तो यहां पर हम लोग अगर क्रेडिट क्रेडिटर हमको एक महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट परचेसेस फॉर फुल ईयर डिवाइडेड बाय 12 इनटू 1 रॉ मटेरियल क्रेडिट परचेसेस। अच्छा, रॉ मटेरियल परचेज और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एक ही होता है क्या? पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया और जितना मशीन में गया, दोनों अलग है ना? यस। तो याद रखो आपको रॉ मटेरियल परचेज लेना इधर, और ऊपर जो फर्स्ट आइटम था आपका इधर रॉ मटेरियल कंज्यूम लेना था आपको, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, देन सेकेंड आइटम विल बी आउटस्टैंडिंग वेजेस। सपोज 10 डेज, 10 डेज है आउटस्टैंडिंग वेजेस का पीरियड, क्या है 10 डेज। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे साल के वेजेस को डिवाइडेड बाय 365 करेंगे तो पर डे वेज आएगा, इनटू 10 डेज कर देंगे तो 10 डेज का वेजेस आएगा जो आउटस्टैंडिंग होगा। तो यहां का कैलकुलेशन क्या होगा, वेजेस फॉर फुल ईयर डिवाइडेड बाय 365 इनटू 10। थर्ड आइटम विल बी आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। सपोज ओवरहेड्स इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 वीक, तो हम क्या करेंगे, पूरे साल के ओवरहेड्स लेंगे डिवाइडेड बाय 52 इनटू 1 वीक करके हमारा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स का फिगर आ जाएगा। बट एक बात याद रखो, डेप्रिसिएशन किस में इंक्लूडेड होता है? ओवरहेड्स में। अरे डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है भाई, किसमें आता है? ओवरहेड्स में। मगर जब आप आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स निकालोगे तब आप विदाउट डेप्रिसिएशन का ओवरहेड्स लोगे। कॉमन सेंस है, डेप्रिसिएशन कभी पे ही नहीं होता तो आउटस्टैंडिंग कैसे होगा? समझे? तो आपके डेप्रिसिएशन का फिगर ओवरहेड्स में नहीं आना चाहिए इधर, टू कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। अब ये आ गया आपका बी का टोटल, ऊपर था आपका ए का टोटल। ए के टोटल में से बी का टोटल अगर लेस कर देंगे तो आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल, विच इज नथिंग बट ए माइनस बी। ठीक है, अब आते हैं एक आइटम पे जिसको हमने छोड़ दिया था, वो है WIP स्टॉक। WIP इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए जनरली वर्किंग नोट बनता है, जनरली बनता है। और अगर हमें बोला है कि प्रोडक्शन साइकिल इज ऑफ लेट्स से 15 डेज, प्रोडक्शन साइकिल इज ऑफ हाफ मंथ बोला, सपोज 15 डेज नहीं हाफ मंथ बोला है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर 0.5 मंथ्स। इट टेक्स
हाफ मंथ टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, इसका मतलब गुड्स आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज फॉर हाफ मंथ. आपका इन्वेस्टमेंट इन WIP कितने टाइम के लिए है? हाफ मंथ के लिए. इसका मतलब समझ गए? तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? वर्किंग नोट वन या टू, वॉट एवर कॉस्ट शीट, जनरली वर्किंग नोट वन बनता है एंड WIP जो स्टॉक है उसका वर्किंग नोट टू बनता है. WIP स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज. ठीक है, WIP बोला है, वर्क इन प्रोग्रेस बोला है. दोस्तों यहां पर रॉ मटेरियल कितना आएगा? 100% आएगा. जब जब आप प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ते हो तो पहले क्या करते हो? रॉ मटेरियल पूरा डाल देते हो और फिर वेजेस एंड ओवरहेड्स इनकर करते हो. अगर कुछ नहीं बोला तो आपके WIP में पूरा रॉ मटेरियल गिर चुका है, 50% वेजेस इनकर हो चुके और 50% ओवरहेड्स इनकर हो चुके. तो हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ऑब्वियसली आपके कॉस्ट शीट से जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका 100% अमाउंट यहां पर आएगा. ठीक है, फिर आएंगे वेजेस. आपके कॉस्ट शीट में जो वेजेस है उसका 50% यहां पर आएगा. एंड आते हैं ओवरहेड्स. आपके कॉस्ट शीट में जो ओवरहेड्स है उसका 50% यहां पर आएगा. इफ नथिंग गिवन, आपको ऐसा लेना है. सपोज दे गिव यू मटेरियल आर इश्यूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग इज येट टू बी डन 20%. प्रोसेसिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इज 20%. मतलब समझते हो आप, रॉ मटेरियल 100% लग चुका है, प्रोसेसिंग कितना करना बाकी है? 20%. इसका मतलब कितना हो चुका है? 80%. तो आपका यहां पे सॉल्यूशन क्या आएगा? रॉ मटेरियल 100%, वेजेस एंड ओवरहेड्स दोनों 80-80%. समझ गए? कभी कभी ये लोग बोलते हैं WIP टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट. WIP टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट. डू यू नो प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट, वेजेस आते पूरे, यस. मटेरियल आता है पूरा, यस. ओवरहेड्स आते नहीं. प्राइम कॉस्ट में तो सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट ही आता है, ओवरहेड्स क्यों आएगा? इसका मतलब फिर WIP का कैलकुलेशन क्या होगा? 100% रॉ मटेरियल, 100% वेजेस, ओवरहेड्स 0%. क्यों? क्योंकि WIP इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट. इसीलिए तो उसको WIP बोल रहे हैं, क्योंकि अब तक ओवरहेड्स इनकर होना बाकी है. सर मगर वेजेस क्यों 100% लिए सर आपने? बिकॉज प्राइम कॉस्ट पूरा इनकर हो चुका है, पूरा मटेरियल इनकर हो चुका है, पूरा वेजेस इनकर हो चुका है. क्या इनकर होना बाकी है? ओवरहेड्स. इसलिए फिनिश गुड्स नहीं बनाऊ. समझे? अच्छा, ये कैलकुलेशन करने के बाद ये जो फिगर आएगा ये पूरे साल का फिगर है. क्या आपका इन्वेस्टमेंट पूरे साल ब्लॉक रहता है WIP में? नहीं, हाफ मंथ के लिए ब्लॉक रहता है. तो आपका सपोज ये सब टोटल है तो आप क्या बोलोगे? WIP इज नथिंग बट दिस सब टोटल जो भी ऊपर आया डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ आ गया इनटू 0.5 करके आंसर आएगा आपका. हाफ मंथ के लिए अमाउंट ब्लॉक है ना, समझे कि नहीं? कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, आपको WIP के यूनिट्स देते. देर आर 4000 यूनिट्स इन WIP. अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है. और सिंपल हो गया गेम तो. अभी 4000 यूनिट्स इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट दिया रहेगा इनटू 100%, 4000 यूनिट्स इनटू वेजेस पर यूनिट दिया रहेगा इनटू 50%, 4000 यूनिट्स इनटू ओवरहेड्स पर यूनिट दिया रहेगा इनटू 50%. बस इन सबका टोटल, दैट्स इट. सर फिर इसको डिवाइड बाय 12 इनटू 1.5 नहीं करने का क्या? नहीं करने का, बिकॉज उस क्वेश्चन में प्रोडक्शन हाफ मंथ के लिए ऐसा कुछ भी बोला नहीं है और कितने यूनिट्स इन प्रोसेस होते हैं वो बता दिया डायरेक्टली. मतलब इन शॉर्ट, अगर ये मेरा फैक्ट्री प्रीमाइस है तो तू कभी भी एंटर करेगा तो तेरे को 4000 यूनिट्स प्रोसेसिंग में दिखेंगे. इसका मतलब तेरा पैसा कितना ब्लॉक रहेगा? उन 4000 यूनिट्स जितना ब्लॉक रहेगा. समझ में आई बात? यस. सो दिस इज WIP का वर्किंग नोट और इधर का आंसर जो भी आएगा आपको मेन आंसर में लिखना होगा. कॉस्ट शीट में क्या होता है? जनरली रॉ मटेरियल लिया जाता है, वेजेस लिए जाते हैं, ओवरहेड्स लिए जाते हैं, फिर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ऐड करेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हमें मिलेगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.
उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. क्या ऐड करेंगे बोलो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. और फिर हमें मिलेगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स. एक बार कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया तो फिर ये बन जाएगा बेसिस फॉर डेटर्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा डेटर, ये बेसिस फॉर फिनिश गुड्स. समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? यस. तो इस तरीके से कैलकुलेशन होते हैं इस चैप्टर में. इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग साइकिल का, बट उस पर जाने से पहले हम एक अलग कॉन्सेप्ट कवर करेंगे. उसको बोलते हैं कैश कॉस्ट अप्रोच वर्सेस नॉर्मल अप्रोच. अप्रोचेस फॉर वर्किंग कैपिटल, लिख लो मेरे साथ, अप्रोच फॉर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, अप्रोच फॉर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन. दो अप्रोच रहेंगे, नॉर्मल एंड दूसरा कैश कॉस्ट. नॉर्मल एंड दूसरा कैश कॉस्ट. नॉर्मल अप्रोच रहेगा तो हम वी कंसीडर, वी कंसीडर ऑल कॉस्ट दैट इज कैश एंड नॉन कैश. वी कंसीडर ऑल कॉस्ट दैट इज कैश एज वेल एज नॉन कैश कॉस्ट. ठीक है. वेर एज कैश कॉस्ट रहेगा तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, वी कंसिडर ओनली कैश कॉस्ट. तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? नॉन कैश आइटम्स आर इग्नोर्ड हियर. नॉन कैश आइटम आपके पास कौन सा है? एक ही है, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर, समझ गए? विदाउट डेप्रिसिएशन कंसिडरेशन जो कैलकुलेशन होंगे उसको बोलेंगे कैश कॉस्ट. एंड नॉर्मल अप्रोच में क्या होता है? डेप्रिसिएशन कंसिडर होता है. अच्छा, डेप्रिसिएशन कौन से हमारे मेन आंसर के आइटम्स पे इंपैक्ट करता है? जरा देखो आपका फॉर्मेट ये है. आपको क्या लगता है डेप्रिसिएशन की वजह से रॉ मटेरियल स्टॉक चेंज होगा क्या? नहीं होगा. तो कहने से ये तो सेम रहेगा. मतलब एक क्वेश्चन है, मैं दोनों अप्रोच से सॉल्व करूं, नॉर्मल से भी और कैश कॉस्ट से भी, तो ये आइटम हमारा सेम रहेगा. तुम्हें क्या लगता है डेप्रिसिएशन की वजह से WIP स्टॉक इंपैक्ट होगा क्या? यस, चेंज होगा, इंपैक्ट. क्यों होगा? जरा दो मिनट के लिए WIP के वर्किंग पे आओ. WIP के वर्किंग में आपको दिख रहा है क्या? ओवरहेड्स. ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन हो सकता है ना. तो फिर नॉर्मल अप्रोच में ये ओवरहेड्स विथ डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, एंड कैश कॉस्ट अप्रोच में ये ओवरहेड्स विदाउट डेप्रिसिएशन लेना होगा. समझे? फिर नेक्स्ट आइटम क्या दिख रहा है आपको? फिनिश गुड स्टॉक. डू यू थिंक फिनिश गुड स्टॉक विल चेंज? यस. अगेन द लॉजिक इज सेम. यस, ये चेंज होगा ड्यू टू ओवरहेड्स. क्योंकि जब फिनिश गुड्स बोलते हैं आप तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक पार्ट होता है ओवरहेड्स. अगर नॉर्मल अप्रोच है तो ओवरहेड्स विद डेप्रिसिएशन ले लो. अगर कैश कॉस्ट अप्रोच है तो ऑब्वियसली ओवरहेड्स विदाउट डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा. ठीक है. डेटर्स, डू यू थिंक दिस विल चेंज? डेटर्स, अरे डेटर्स कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स पर आता है. जब आप कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल निकाल रहे थे तो डेटर उस कॉस्ट में ओवरहेड्स भी तो आया रहेगा. समझे कि नहीं? तो डेटर्स विल ऑल्सो चेंज. कैसे? मैं आपको समझाता हूं. डेटर्स किस पे आता है? कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स. कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स कैसे आता है? मैंने पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया आपके साथ. रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. आया ना? तो ये कैलकुलेशन में ओवरहेड्स था क्या? यस. ओवरहेड्स अगर था तो नॉर्मल अप्रोच में पूरा ओवरहेड्स ले ले, मगर कैश कॉस्ट अप्रोच में विदाउट डेप्रिसिएशन वाला ओवरहेड्स देना पड़ेगा. समझ गए? कैश एंड बैंक, डू यू थिंक दिस विल चेंज? नो, दिस विल रिमेन सेम. कैश बैलेंस तो कैश में ही रखना पड़ेगा ना. नॉन कैश का संबंध है क्या उसके साथ? नहीं. क्रेडिटर्स, डेप्रिसिएशन का कोई दूर दूर तक संबंध है क्या? तो ये भी सेम रहेगा. आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी सेम रहेगा. आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ये भी सेम रहेगा. सेम कैसे रहेगा सर? मैंने अभी बोला आपको, जब आप आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स निकालते हो तो वैसे भी डेप्रिसिएशन नहीं आ सकता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कभी पे ही नहीं होता, तो आउटस्टैंडिंग कैसे होगा? समझे? इसका मतलब मैं थोड़ा सा अगर एनालिसिस देखूं अच्छे से मेरा, तो मेरा कैश कॉस्ट अप्रोच हो या नॉर्मल अप्रोच हो, मेरा पूरा आंसर सेम है. सिर्फ तीन आइटम को छोड़ा. तो कौन से तीन आइटम है? WIP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, डेटर्स.
तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कैश कॉस्ट अप्रोच पे, आपको कैश कॉस्ट अप्रोच क्लिक नहीं हो रहा है सॉल्व करने की, यू नो उस वक्त मेंटल स्टेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप पूरा आंसर नॉर्मल सॉल्व करो, सिर्फ ये तीन आइटम छोड़ दो, पहले पूरा आंसर नॉर्मल सॉल्व करो सिर्फ ये तीन आइटम को छोड़कर, फिर दिमाग लगाओ कि ये तीन आइटम में क्या होगा, समझ गए क्या? क्योंकि बाकी आइटम्स तो पूरे कैश कॉस्ट हो या नॉर्मल अप्रोच हो सेम ही रहते, तो क्यों लोड ले रहे हो आप कैश कॉस्ट? कैश कॉस्ट का लोड या इंपैक्ट कहां आता है? सिर्फ तीन आइटम पर, WIP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, डेटर्स। आई होप यू गॉट इट। तो ये था आपका कैश कॉस्ट अप्रोच। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले बिजनेस में हम डे टू डे वर्किंग में इन्वेस्ट करते हैं कैश, उस कैश से हम खरीदते हैं रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं ऑफकोर्स और उसे प्रोसेस करते हैं और फिर WIP बनता है, फिर WIP को फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो फिनिश गुड्स बनता है, फिनिश गुड्स को अगर हम क्रेडिट पर बेचेंगे तो बुक्स में डेटर्स क्रिएट होते हैं और डेटर्स से कलेक्ट होता है कैश। कैश टू कैश वाले इस साइकिल को बुलाने का ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बुलाने का इसको? ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा बोलो? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, WIP स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, समझ गए? तो सपोज इन सबका एडिशन है 56 डेज, तो मेरा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया? 56 डेज का हो गया। मतलब क्या सर? मतलब मेरे डे टू डे ऑपरेशंस में 56 डेज तक मेरा पैसा ब्लॉक्ड है, समझ गए? मगर ग्रॉस, ग्रॉस क्यों बोल रहे सर इसको? बिकॉज अब तक हमने क्रेडिटर्स का इंपैक्ट नहीं लिया। सपोज क्रेडिटर्स आर पेड आफ्टर 6 डेज, क्रेडिटर्स आर पेड आफ्टर 6 डेज, तो लॉजिकली ये कैश रॉ मटेरियल में 6 दिन इन्वेस्ट हुआ ही नहीं, 6 दिन बाद इन्वेस्ट हुआ। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड विल गिव यू नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड विच कम्स 56 माइनस 6 दैट इज 50 डेज। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट ऑपरेटिंग साइकिल? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, WIP स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज गिविंग यू व्हाट? नेट ऑपरेटिंग साइकिल। सपोज 50 डेज का साइकिल है एंड सपोज क्वेश्चन में बोला है 360 डेज अ ईयर, ठीक है? तो मैं आपको पूछ रहा हूं नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर कितने हैं? नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर, तो आप क्या करोगे? 360 डिवाइडेड बाय 50 करोगे आप, कितना है? 7.3 टाइम्स। आपका नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर कितना आ गया? 7.3 टाइम्स। सर इसका मीनिंग क्या है? ऐसा साल में 7.3 टाइम्स होगा कि आप कैश इन्वेस्ट करोगे और वापस आपके पास कैश आएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर। अगर आपको पूछा नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल्स इन अ ईयर कितने, तो 7 आएगा, समझे क्या? अगर ये आंसर आपका 6.89 आता तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल्स आपके 6 हो जाते हैं। राउंड ऑफ करके 7 मत करो, कंप्लीटेड साइकिल्स कितने हुए? 6। भले आंसर नंबर ऑफ साइकिल्स का 6.89 आया हो, समझे कि नहीं? राउंड ऑफ थोड़ा करना है, कंप्लीटेड साइकिल्स कितने हैं? 6। नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं? 6.89, समझे? यहां तक का पार्ट समझा अच्छे से? अब इसके बाद वो लोग आपको पूछ सकते हैं वर्किंग कैपिटल अमाउंट बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। वर्किंग कैपिटल अमाउंट बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि 360 का एग्जांपल ले रहे थे हम लोग, इनटू 50। कुछ समझा क्या? मेरा नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना था? 50 डेज। तो मेरा पैसा कितने दिन के लिए ब्लॉक्ड है? 50 डेज के लिए ब्लॉक्ड। अल्टीमेटली कौन सा पैसा ब्लॉक्ड है मेरा? मिलते वक्त मुझे कौन सा पैसा मिल रहा है? क्रेडिट सेल्स का। तो मैं क्या लूंगा? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, दैट डिवाइडेड बाय 360 विल गिव यू पर डे कॉस्ट, इनटू 50 विल गिव यू ऑपरेटिंग साइकिल का पूरा पैसा जितना ब्लॉक्ड है, समझे कि नहीं? एंड अगर सपोज आपको उन्होंने पूछा कैश कॉस्ट अप्रोच से निकालो, तो हम बस इस कैश कॉस्ट की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? कैश कॉस्ट ऑफ
क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 360 इंटू 50. सर वन और टू में क्या फर्क है? सपोज ये वन है और ये टू है, इनमें क्या फर्क है? डेप्रिसिएशन. पहले वाले केस में डेप्रिसिएशन आएगा, दूसरे वाले में नहीं आएगा. तो इससे क्या मिला आपको बताओ? नेट वर्किंग कैपिटल इन रुपीज टर्म्स. ये क्या आया? नेट वर्किंग कैपिटल कौन से बेसिस पर? कैश कॉस्ट बेसिस पर. ये भी नेट वर्किंग कैपिटल है रुपीज टर्म्स में ही है, मगर कौन से बेसिस पर है? ये कैश कॉस्ट पे. और ऊपर वाला कौन सा है? नॉर्मल अप्रोच से. आई होप समझ रहे हैं आपको अच्छे से. अगर क्वेश्चन में ही बोला है कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल इन रुपीज टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, टेकिंग सेल्स एज द बेसिस, तो उस केस में बस ये वन और टू दोनों भी यूज नहीं होंगे. सीधा फॉर्मूला बन जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय 360 इनटू 50. समझेगी नहीं? सेल्स डिवाइडेड बाय 360 विल गिव यू पर डे सेल, इनटू 50 विल गिव यू 50 डेज का सेल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेल्स के बेसिस पर निकाल. समझे? यस. तो ये था आपका ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट का लॉजिक. यहां पर कुछ रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कैसे निकलता है, WIP स्टोरेज पीरियड कैसे निकलता है, इन सब का फॉर्मुलेस दे रखे. ओके, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वैसी सेम पैटर्न में फॉर्मुलेस आएंगे. अगर आपके पास चार्ट बुक रहेगा तो आप पेज नंबर 17 निकालकर देख लो आपके फॉर्मुलेस क्या है. ये देखिए, यस, दिख रहा है फॉर्मुलेस? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड क्या बोला है? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे. मतलब इन शॉर्ट, अगर मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन फैक्ट्री पर डे 5000 का है, कितने का है? 5000. और मेरे गोडाउन में सपोज 1,00,000 रुपए का स्टॉक है. गोडाउन में कितने रॉ मटेरियल का स्टॉक है? 1,00,000. तो आप ही बता दीजिए मुझे कि मेरे गोडाउन में जो स्टॉक है वो कितने दिन चलेगा? 20 डेज चलेगा. तो मेरा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितने दिन का हो गया? 20 डेज का हो गया. आई होप यू गॉट द लॉजिक. क्या किया मैंने बताओ? मेरा पर डे कंजम्पशन 5000. कैसे आएगा पर डे कंजम्पशन? मगर सर पूरे साल के कंजम्पशन को ले लो कॉस्ट शीट से, डिवाइडेड बाय 360 कर दो, पर डे कंजम्पशन आ गया. समझे? 5000 आया. और वहां के गोडाउन का स्टॉक पूरे साल सेम होता है क्या? नहीं. तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करके एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सपोज 1,00,000 आया, तो 1,00,000 का एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय 5000 पर डे. कितने दिन का स्टॉक है बाजू में? 20 दिन का. समझा? फॉर्मूला नंबर 1 क्लियर. फॉर्मूला नंबर 2 पे आते हैं. आपका WIP का स्टोरेज पीरियड, मतलब इस फैक्ट्री में जितना WIP है वो कितने दिन का है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से जैसे ऊपर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया, नीचे एवरेज स्टॉक ऑफ WIP लेना पड़ेगा. ऊपर रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे लिया, नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे लेना पड़ेगा. बिकॉज WIP कहां जा रहा है? प्रोडक्शन में. WIP कहां जा रहा है? प्रोडक्शन में. तो WIP का कॉस्ट क्या हो गया? प्रोडक्शन. समझ गए? तो एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे. समझा सेकेंड फॉर्मूला? थर्ड फॉर्मूला बोलते हैं आपको फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड. सेम लॉजिक, जैसे एवरेज स्टॉक ऑफ WIP लिया वैसे एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ले लो. ऊपर आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया. अब आप बोलो जैसे WIP प्रोडक्शन में जा रहा है, फिनिश गुड्स कहां जा रहे हैं? गुड्स सोल्ड में जा रहे हैं ना, तो क्या लेना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, COGS पर डे. कैसे आएगा COGS पर डे? पूरे साल का COGS को डिवाइड बाई 360 कर दो, पर डे आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे कैसे आएगा? जो ऊपर सेकंड फॉर्मूले में दिख रहा है, पूरे साल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेकर डिवाइड बाई 360 कर दो. समझे कि नहीं? फिर आता है फोर्थ फॉर्मूला, जिसको हमने सिलेबस में अब तक रैपिड रिवीजन में 4 बार डिस्कस कर लिया रहेगा, डेटर्स कलेक्शन पीरियड. क्या करेंगे हम लोग? एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर्स विच इज नथिंग बट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे. आई विल रिपीट द सेम एग्जांपल विच आई रिपीटेड लास्ट टाइम. सपोज मेरा पर डे क्रेडिट सेल 10,000 है और मेरे डेटर्स का बैलेंस एवरेज अकाउंट रिसीवेबल सपोज 3,00,000 है, तो मेरा कलेक्शन कितने दिन में आ रहा है? 30 डेज में आ रहा है. समझे कि नहीं? 10,000 क्रेडिट पे बेचते जाओ पर डे, कितने दिन तक बेचने के बाद बैलेंस 3,00,000 पहुंचेगा? 30 डेज.
तो मेरा कलेक्शन कितने दिन में आ रहा है? 30 डेज में. मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे. और बिल्कुल सेम लॉजिक हम लोग क्रेडिटर के लिए यूज कर लेंगे. क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज नथिंग बट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के जगह पेएबल डाल दो और एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे के जगह एवरेज क्रेडिट परचेसेस पर डे डाल दो. तो बन गया पांचवा फॉर्मूला. ऑल द फाइव फॉर्मूलास क्लियर? यस. तो ये रहा आपका ओवरऑल वर्किंग कैप ऑपरेटिंग साइकिल का लॉजिक. यहां पर हम यूनिट वन एंड कर चुके हैं. यूनिट वन कौन सा था? मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. इसमें सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट वर्किंग कैपिटल में? मेरा फैक्ट्री है, मैं सुबह 8 से रात को 8 तक ही काम करता हूं, बस एक ही शिफ्ट है. बट सडनली ड्यू टू हायर डिमांड मैंने सोचा प्रोडक्शन डबल करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है. तो दूसरा फैक्ट्री सेटअप रेडी करने से अच्छा क्या करूं, इसी फैक्ट्री सेटअप को सेकेंड शिफ्ट में चलो. उससे मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बच जाएगा ना, लैंड मशीनरी सब कुछ. समझे कि नहीं? तो फिर मैं क्या करूंगा, इसी फैक्ट्री में दूसरा शिफ्ट रन करूंगा. तो क्वेश्चन क्या आता है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल निकालो ड्यू टू सेकेंड शिफ्ट. पहले सिंगल शिफ्ट का निकालने का, फिर डबल शिफ्ट में वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है निकालने का, फिर डबल शिफ्ट के वर्किंग कैपिटल में से सिंगल शिफ्ट का वर्किंग कैपिटल लेस करके एडिशनल वर्किंग कैपिटल ड्यू टू दूसरा शिफ्ट, ये आ जाएगा. और एक बात याद रखो, उस केस में हर आइटम ऑफ वर्किंग कैपिटल डबल होता है क्वांटिटी टर्म्स में. रॉ मटेरियल स्टोरेज जो बाजू में रखा है डबल रखना पड़ेगा बिकॉज सेकंड शिफ्ट में रॉ मटेरियल भी लग रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में भी लग रहा है. फिनिश गुड्स जो सामने के गोडाउन में रेडी होकर रखे है वो भी डबल हो जाएंगे क्योंकि सिंगल शिफ्ट का प्रोडक्शन भी उधर ही जा रहा है, डबल शिफ्ट का भी उधर ही जा रहा है. डेटर्स को जो यूनिट्स क्रेडिट पर बेचे जा रहे हैं वो भी डबल हो जाएंगे, करेक्ट, क्योंकि प्रोडक्शन डबल हो रहा है. कैश बैलेंस तो हर वक्त गिवन होता है, उसकी चिंता मत करो. क्रेडिटर्स से जो क्रेडिट पर यूनिट्स परचेस किए जा रहे हैं वो भी क्वांटिटी में डबल हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन ही डबल है तो परचेसेस भी डबल है, करेक्ट. आउटस्टैंडिंग वेजेस जो वेरिएबल नेचर के वो डबल हो जाएंगे, फिक्स नेचर के वेजेस सेम रहेंगे. आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स जो वेरिएबल नेचर के वो डबल हो जाएंगे, जो फिक्स नेचर के वो सेम रहेंगे. व्हाट अबाउट डब्ल्यूआईपी स्टॉक? डब्ल्यूआईपी स्टॉक विल रिमेन सेम. वेरी गुड. डब्ल्यूआईपी स्टॉक विल नॉट गेट डबल बिकॉज आपका फैक्ट्री एक ही है. तो सिंगल शिफ्ट में काम अगर करोगे तो रात को 8 बजे जितने यूनिट्स प्रोसेस में रहेंगे सिंगल शिफ्ट में, डबल शिफ्ट वर्किंग के बाद में भी सुबह 8 बजे उतने यूनिट्स प्रोसेस में रहेंगे क्योंकि सेकंड शिफ्ट के वर्कर्स जब एंटर करेंगे फैक्ट्री में तो वो पहला क्या काम करेंगे, जो फर्स्ट शिफ्ट का डब्ल्यूआईपी है उसको प्रोसेस कर ही आगे बढ़ सकते ना वो. और सेकंड शिफ्ट के एंड में उतने ही यूनिट्स प्रोसेस में रहेंगे जितने फर्स्ट शिफ्ट के एंड में थे, अज्यूमिंग दोनों का वर्क एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी एवरीथिंग सेम. और जनरली फैक्ट्री बोला तो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फिक्स होता है, वर्कर का प्रोडक्टिविटी सेम होता है. तो कहने से इसका मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस सेम रहेगा, जो गिवन है वो रहेगा. फिक्स्ड वेजेस फिक्स्ड रहेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स फिक्स्ड रहेंगे एंड डब्ल्यूआईपी इन यूनिट्स विल रिमेन सेम. बाकी रॉ मटेरियल स्टॉक विल गेट डबल, फिनिश गुड स्टॉक विल गेट डबल, डेटर्स विल गेट डबल इन क्वांटिटी, क्रेडिटर्स विल गेट डबल इन क्वांटिटी. समझे? That was single shift versus double shift. Now let's move to unit 2, management of accounts receivables. इसमें mainly decide करना होता है आपको credit period to be granted to your customers. उसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड पॉलिसीज. सपोज 1 मंथ का एक पॉलिसी है, 2 मंथ्स का एक क्रेडिट पॉलिसी है. ये दोनों क्या है? पॉलिसीज है. एक एग्जिस्टिंग हो सकता है, एक प्रपोज्ड हो सकता है. क्या करते हो आप? सीरियल नंबर ए विल बी सेल्स, ऑफकोर्स क्रेडिट सेल्स. B will be variable cost. C will be contribution, which is nothing but A minus B. D will be fixed cost. E will be EBIT, which is nothing but C minus D. Contribution minus fixed cost. यहां तक का format तो leverage का operating format, operating part है. But इसके बाद फिर financial part में नहीं जाने का. इसके बाद indirect cost due to credit sales लेने के. क्या बोला? बोलो. इनडायरेक्ट कॉस्ट ड्यू टू क्रेडिट सेल्स, जैसे के बैड डेट्स,
कलेक्शन एक्सपेंसेस, चलो एक काम करते हैं, अलग अलग लिखने से अच्छा, बैड डेट्स ऑब्लिक कलेक्शन एक्सपेंसेस ऑब्लिक कैश डिस्काउंट, ये जो भी आपके क्रेडिट सेल्स रिलेटेड कॉस्ट होते हैं ना वो सब यहां पर आते हैं। और फिर जी पार्ट में हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट ई माइनस एफ। एवरीबॉडी, एग्जाम में ऑफकोर्स आपको बैड डेट्स अलग दिखाने हैं, कलेक्शन एक्सपेंसेस अलग दिखाने हैं, और फिर आप माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट के बाद अगर टैक्स दिया रहेगा तो टैक्स ले लो, मतलब जी का सपोज 30%, एग्जाम्पल 30%। तो ये क्या आ गया अभी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नथिंग बट जी माइनस एच। यहां पर स्टोरी खत्म नहीं होता है, एक आइटम अभी भी बाकी है, वो है फाइनेंस कॉस्ट। तो आपको लेना पड़ेगा फाइनेंस कॉस्ट। व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट, मेरा जो कॉस्ट ब्लॉक्ड है डेटर्स में, वो वहां ब्लॉक नहीं होता, कहीं और इन्वेस्टेड होता तो वहां से मुझे रिटर्न्स मिलते, आज वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे, वो है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो यहां पर कंसिडर हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस कॉस्ट हियर। सो फाइनेंस कॉस्ट यहां पर किस पर आएगा, एक तो वेरिएबल कॉस्ट पर आएगा और बाद में फिक्स कॉस्ट पर आएगा, बाकी कॉस्ट पर नहीं आता है बिकॉज बाकी कॉस्ट गुड्स में नहीं इनकर हो रहे, ये कॉस्ट गुड्स पर इनकर हो रहे, और आप क्रेडिट पर क्या बेच रहे हो, गुड्स। इसलिए दोनों कॉस्ट को ऐड करो इनटू फाइनेंस कॉस्ट का रेट लगाओ, सपोज 15%, एग्जांपल है 15% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और फिर इनटू फर्स्ट केस में 1 month डिवाइडेड बाय 12, सेकंड केस में 2 months डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 12, समझे कि नहीं, इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 12, फर्स्ट केस में इनटू 1/12 आएगा, सेकंड केस में इनटू 2/12 आएगा मेरे एग्जांपल के अनुसार। ये आ गया आपका फाइनेंस कॉस्ट, और फिर लास्ट में नेट बेनिफिट आता है। नेट बेनिफिट इज नथिंग बट आई माइनस जे। नेट बेनिफिट, जिस पॉलिसी में हमारा नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा रहेगा वो पॉलिसी हम सिलेक्ट करेंगे, समझ गए, जिस पॉलिसी में हमारा नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा है वो पॉलिसी हम सिलेक्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, कम ऑन। So this was management of accounts receivable. Then, फिर आते हम लोग management of accounts payable. Very easy actually. Management of accounts payable में ना typical एक question आता है बस, 2/10 नेट 30। सपोज बोला है कि हमारा क्रेडिटर जो है हमें ऐसा डिस्काउंट पॉलिसी देता है, ऐसा पेमेंट टर्म रखता है हमारे सामने, 2/10 नेट 30। हाउ डू यू रीड दिस, 2% डिस्काउंट इफ पेड विद इन 10 days, अदरवाइज नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज 30 days। मतलब आप मेरे कस्टमर हो, मैं क्रेडिटर हूं, मैंने आपको बोल दिया 30 दिन में पैसा देना है, हाँ मगर भाई अगर तू 10 दिन में देगा तो तुझे 2% डिस्काउंट दूंगा मैं। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर वी शुड पे बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट और शुड वी फॉरगो द डिस्काउंट, समझा कि नहीं, वी आर शॉर्ट ऑन कैश, पैसा कम है, अगर ऐसा डिस्काउंट लेना होगा तो बैंक से बोरो करना होगा, बैंक से बोरो करना होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, बैंक का बोरिंग रेट भी दिया है सपोज 18%, टू टेक द एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट वी कैन बोरो फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 18%, या ऐसा लिखा है कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 18%, शुड वी टेक द एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट और शुड वी फॉरगो द डिस्काउंट। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका हम लोग पहले निकालते हैं कि अगर हम ये फॉरगो कर देंगे डिस्काउंट, मतलब 10 दिन में पैसा नहीं देंगे 30 दिन में देंगे, तो उसका एनुअलाइज कॉस्ट कितना है, और वो एनुअलाइज कॉस्ट को हम बोरिंग कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। अगर एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ फॉरगोइंग द डिस्काउंट इज सपोज 25%, बैंक इज रेडी टू गिव अस लोन एट 18%, ऑफकोर्स फिर क्या करना चाहिए, बैंक से लोन लेकर एडवांटेज ले लो डिस्काउंट का, क्योंकि 25% कॉस्ट वहां लग रहा है, यहां पर 18% लग रहा है, समझे। तो बट ये कैसे कैलकुलेट होता है, एनुअलाइज कॉस्ट कैसे निकलता है, सो बोलेंगे लेट परचेसेस बी 100,
माइनस डिस्काउंट कितना? ₹2। देयरफॉर नेट अमाउंट पेबल कितना आया? 98। 98 का नेट अमाउंट पेबल आया। हम बोलेंगे इफ वी डिसाइड नॉट टू पे ऑन 10th डे, तो 10th डे मुझे कितना पैसा यूज करने मिल रहा है? जितना मैं नहीं पे कर रहा हूं, कितना मैं नहीं पे कर रहा हूं? 98। तो मुझे यूज करने कितना मिलेगा? 98। बराबर है कि नहीं? बट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 आई एम एबल टू यूज 98 एट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ₹2 बिकॉज 10th डे के बाद डायरेक्टली मुझे कब पेमेंट करना है? 30th डे। एक्स्ट्रा पीरियड कितना मिला? 20 डेज का। बट वो 20 डेज एक्स्ट्रा पीरियड मिलने का कॉस्ट क्या है? ₹2 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? तो कहना इसे ₹2 के कॉस्ट पे ₹98 यूज करने मिल रहा है, इनटू 100 करके परसेंटेज कॉस्ट आएगा। बट ये कॉस्ट कितने दिन का है? 20 दिन का है। 20 दिन क्यों लिखा अपने? 10th डे की जगह 30th डे को पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पीरियड कितना मिला? 20 दिन का। मगर एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है? ₹2 का। वो ₹2 का कॉस्ट के बदले में आपको कितना रुपया यूज करने मिल रहा है? 98, बिकॉज यू आर सपोज टू पे 98 एट द एंड ऑफ 10th डे। नाउ यू आर एबल टू यूज दैट 98 फॉर एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ 20 डेज। समझे कि नहीं? सो ये कॉस्ट अगर 20 डेज का है तो 360 डेज का कॉस्ट कितना? समझे कि नहीं? सो इफ दिस कॉस्ट इज फॉर 20 डेज, 360 डेज का कॉस्ट कितना? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना आएगा? वो रहेगा आपका एनुअलाइज कॉस्ट। कितना आया? 36.73। आपका बैंक आपको 18% से लोन देने को तैयार है। व्हाट विल यू डू? विल यू टेक द लोन फ्रॉम बैंक एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डिस्काउंट, और विल यू फॉरगो दिस डिस्काउंट? टेक लोन फ्रॉम बैंक एंड ऑब्वियसली टेक द एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे डिस्काउंट जो पॉलिसी दिया रहता है उसका एनुअलाइज कॉस्ट निकालना होता है। समझ गए? देन कमिंग टू यूनिट नंबर 4, ये लिखना है क्या आपको? यूनिट नंबर 4 करें क्या? हो गया लिखकर? ओके, यूनिट 4 का नाम है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। फ्रैंकली ये मैंने रेगुलर बैच में पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि इसको आपने कॉस्टिंग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से विनोद सर से पढ़ाया, ऑब्वियसली आपको आता ही होगा। ये क्या है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में क्या होता है? मेन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इज ईओक्यू वाला फॉर्मूला। ईओक्यू के लिए क्या करना है? अंडर रूट 2AO/C, ये फॉर्मूला यूज करना है। इसका लॉजिक भी आपको याद होगा, ये टाइप का एक डायग्राम ड्रॉ किया था आपने इस मॉडल में, विल्सन का मॉडल है ये। यहां पर ऑर्डर साइज था और यहां पर कॉस्ट था। ऑर्डर साइज अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगा। कौन सा कॉस्ट कम होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट? ऑर्डर साइज अगर बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। साल भर में तुझे 1,00,000 यूनिट्स रिक्वायर्ड है, 50,000 के ऑर्डर देगा तो 2 ही ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 2 ही ऑर्डर का कॉस्ट रहेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बचेगा ना। मगर भाई तूने मंगाते वक्त 50,000 यूनिट्स मंगाए एक साथ, अब तू उसे कैरी कर, तो तेरा कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा? कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। दोनों का इंटरसेक्शन इधर हो रहा है, ये बन गया आपका मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। जहां तुमने नोट किया रहेगा तो दोनों कॉस्ट सेम है, बराबर। और ये तेरा ऑर्डर साइज है, जिसको हम बोलते हैं ईओक्यू वाला ऑर्डर साइज, क्योंकि यहां पर तेरा ओवरऑल कॉस्ट सबसे कम है। यहां पे तेरा ओवरऑल कॉस्ट सबसे कम है। सबको समझा क्या? 2AO/C, ये मटेरियल के लिए था। यहां पर कुछ अजम्पशन थे, यूनिफॉर्म मटेरियल रिक्वायरमेंट,
प्रोडक्शन में जाने वाला मटेरियल जो है वो यूनिफॉर्मली जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा मटेरियल फिर कम मटेरियल फिर ज्यादा मटेरियल फिर कम, एक आधे दिन प्रोडक्शन बंद, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हर दिन प्रोडक्शन में सेम मटेरियल जाएगा, ये अजम्पशन था इस मॉडल का। नाउ विलियम जे बॉमल ने क्या किया, जिनका नाम आप ईएफएफ में भी पढ़ोगे, बॉमल एंड टॉबिन मॉडल, यस विलियम जे बॉमल ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम अगर यही सेम मॉडल को रेप्लीकेट करेंगे किसके लिए, किसके लिए, कैश के लिए, तो फिर हम भी ये सेम मॉडल बना सकते हैं ईओक्यू वाला। तो इन्वेंटरी के हद तक ये मॉडल काम में आ जाएगा आपका, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी में आपको सिर्फ ये मॉडल ध्यान रखना है। और अब मैं आता हूं यूनिट फोर पर, यूनिट फोर में, सॉरी यूनिट फाइव, लास्ट यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ कैश, इसमें सेम मॉडल क्या हुआ है, कॉपी हुआ है, इसलिए मैं यहीं पर दिखा रहा हूं आपको ये। और यूनिट फाइव में ईओक्यू जैसे ये मटेरियल के लिए था, वैसे यहां पर किसके लिए बनाया गया, कैश के लिए। यहां पर का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 280 अपॉन आई, अंडर रूट 280 अपॉन आई, समझे क्या, यहां का फॉर्मूला है। और यहां का डायग्राम कैसे बनेगा फिर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लॉट साइज बोलते हैं अपन यहां पर, और यहां पर कॉस्ट बोलते हैं। इनका क्या बोलना है कि अगर कैश रिक्वायरमेंट है आपके पास तो आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेचकर कैश लेकर आओगे, मतलब जैसे मटेरियल को ऑर्डर करके मंगाया जाता है वैसे ट्रांजैक्शन करके सिक्योरिटी बेचकर पैसा लाया जाता है, मतलब ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो इसलिए 2AO की जगह 2AT आ गया, ओ था ऑर्डरिंग कॉस्ट, मगर यहां पर आएगा टी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसका मतलब लॉट साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उतने कम होंगे, इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होगा। बट जैसे मटेरियल को कैरी करने को कैरिंग कॉस्ट लगता है, वैसे कैश का भी कैरी करने का कॉस्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इसलिए दूसरा कॉस्ट बढ़ेगा वो है इंटरेस्ट कॉस्ट। समझे कि नहीं, समझे क्या। एंड दोनों का इंटरसेक्शन जहां पर हुआ है यह आपके लिए मिनिमम कॉस्ट है, और ये लॉट साइज आपने सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा कॉपी है, 2AO 280 अपॉन आई, 2AO अपॉन सी की जगह 280 अपॉन आई। व्हाट इज टी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, व्हाट पर ट्रांजैक्शन, एंड व्हाट इज आई, इंटरेस्ट कॉस्ट पर रूपी पर एनम। बट यहां पर फिर क्या हो गया, नकल को भी अकल लगती है ना, नकल तो पूरी कर दी विदाउट अकल लगाए, बिकॉज यहां पर इन्होंने अजम्पशन क्या रखा, वहां का अजम्पशन कॉपी कर लिया। वहां का अजम्पशन क्या था, यूनिफॉर्म मटेरियल रिक्वायरमेंट, इन्होंने बोला यूनिफॉर्म कैश रिक्वायरमेंट। डे टू डे ऑपरेशन में भाई साहब मेरी कंपनी को एवरी डे सेम कैश आउटफ्लो लगता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, कभी वेजेस लेट पे होंगे, कभी ओवरहेड्स जल्दी पे होंगे, कभी कोई अचानक कॉन्टिंजेंसी पेमेंट हो सकता है, फिक्स एसेट्स बाइंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारा यूनिफॉर्म कैश आउटफ्लो वाला अजम्पशन यहां पे आ गया, जिसकी वजह से एक्चुअली ये मॉडल फेल हो गया। और फिर इसकी जगह एक और मॉडल आया जो थोड़ा सुपीरियर मॉडल है, इसको बोलते हैं मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। क्या नाम है उसका, मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल क्या बोलता है, स्टोकेस्टिक कैश फ्लो अजम्पशन। क्या बोलता है बोलो, स्टोकेस्टिक मतलब अनइवन, तो आपके बिजनेस में लगने वाला कैश आउटफ्लो इनफ्लो क्या है, स्टोकेस्टिक है, मतलब अनइवन है। इसकी वजह से ये मॉडल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला, बिकॉज रियल में ऐसे ही होता है। यहां पर टाइम पीरियड है और यहां पे आपका कैश बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये आपका लोअर कंट्रोल लिमिट है और ये आपका अपर कंट्रोल लिमिट है। मतलब बिजनेस में लगने वाला कम से कम कैश बैलेंस लोअर कंट्रोल लिमिट में आता है, बिजनेस में लगने वाला मैक्सिमम कैश बैलेंस जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट होता है। और इन दोनों के नजदीक यहां पर रिटर्न पॉइंट होता है। क्या होता है, रिटर्न पॉइंट। रिटर्न पॉइंट किसके नजदीक ड्रॉ किया मैंने, लोअर कंट्रोल का लिमिट के पास। तो रिटर्न पॉइंट लोअर कंट्रोल लिमिट के नजदीक क्यों है ये ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा, डोंट वरी। जरा दो मिनट के लिए देखिए कि मेरा कैश बैलेंस जो है
वो सपोज रिटर्न पॉइंट से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, रिटर्न पॉइंट से, तो बिजनेस का कैश आउटफ्लो इनफ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर है, तो इस तरीके से बढ़ेगा कम होगा बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ बढ़कर अपर लिमिट टच हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल यू शुड कम टू रिटर्न पॉइंट। मीन्स सपोज ये 5 लाख है, सपोज ये 2 लाख है, रिटर्न पॉइंट सपोज 3 लाख है, तो ये मॉडल क्या बोलता है आपको, ये मॉडल आपको बोलता है कि जैसे ही तेरा कैश बैलेंस 3 लाख का धीरे धीरे अनइवनली बढ़कर 5 लाख हो गया, तू वापस कैश बैलेंस को 3 लाख पे ला ले, मतलब 2 लाख इन्वेस्ट कर दे, 2 लाख क्या कर, इन्वेस्ट वापस, सपोज सीजन टाइम है कम टाइम में वापस अपर लिमिट टच हो गया, तो अगेन कम टू रिटर्न पॉइंट। आपको समझ गया रिटर्न पॉइंट क्यों बोलते हैं उसको, वी आर रिटर्निंग टू दैट पॉइंट अगेन एंड अगेन। सपोज ये कैश बैलेंस बढ़ा और अभी ये कम होने लग गया, मगर ना अपर लिमिट टच हुआ है ना लोअर लिमिट टच हुआ है, तो कुछ मत कर, जैसे ये घटकर लोअर लिमिट टच हो गया तो ये मॉडल बोलता है कम टू रिटर्न पॉइंट, मतलब तेरा बैलेंस जैसे ही 2 लाख टच हो गया तो वह बैलेंस को बना दे 3 लाख। 1 लाख कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट में से विड्रॉ कर, समझे कि नहीं, और इस तरीके से जब जब लोअर लिमिट टच होगा विड्रॉल होगा, जैसे अपर लिमिट टच होगा इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप समझ भी गए रहेंगे कि रिटर्न पॉइंट लोअर के नजदीक क्यों है, क्योंकि विड्रॉल करते वक्त कम विड्रॉल हो रहा है मगर इन्वेस्ट करते वक्त ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, समझा क्या, इन दोनों के गैप को बोलते हैं स्प्रेड, इन दोनों के गैप को बोलते हैं स्प्रेड। व्हाट इज स्प्रेड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज कॉल्ड स्प्रेड। एंड रिटर्न पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, रिटर्न पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस 1/3 ऑफ स्प्रेड। लोअर लिमिट क्या है, 2 लाख, स्प्रेड कितने का है, 3 लाख, 3 लाख का ही ना स्प्रेड, 5 लाख माइनस 2 लाख कितने का स्प्रेड हो गया, 3 लाख, 3 लाख का 1/3 कितना हुआ, 1 लाख, 1 लाख किस में ऐड करना है, लोअर में, तो क्या मिलेगा, 2 लाख में ऐड करने का क्या मिलेगा, 3 लाख का रिटर्न पॉइंट। मैच हो रहा है क्या, देख लो एक बार अच्छे से, चेक कर लो आपके कैलकुलेशन बराबर है, यस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 में यहां पर आपके पास कैश बजट बनाने पड़ता है, यूनिट 5 में क्या करना पड़ता है, कैश बजट बनाना पड़ता है, जिसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स। सपोज यू आर इन द मंथ ऑफ जैन, सॉरी डिसंबर एंड, तो जनवरी फरवरी मार्च, सपोज 3 महीने का कैश बजट बनाना है, तो अगले तीन महीने का हम लोग कैश बजट बना रहे हैं, सीरियल नंबर ए विल बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, बराबर, जो जनवरी का दिया रहेगा, फिर बी विल बी कैश इनफ्लोज ऑब्लिक रिसीट्स, जहां पे सभी इनफ्लोज वगैरह के आइटम्स आएंगे। कैन यू टेल मी कंपनी के इनफ्लोज क्या क्या होते हैं, सेल्स इज नॉट ए इनफ्लो, कैश सेल्स इज इनफ्लो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज इनफ्लो, समझे, और सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब आपके क्या है, कैश इनफ्लो के आइटम्स है, वो सब इधर आएंगे। एंड देन ये सब आइटम्स के बाद सी विल बी सब टोटल, दैट इज ए प्लस बी, ठीक है, फिर आएगा डी कैश आउटफ्लोज ऑब्लिक पेमेंट्स, कैश आउटफ्लोज ऑब्लिक पेमेंट्स, इसमें सभी पेमेंट्स के आइटम्स आएंगे, बोलो पेमेंट, कैश पेमेंट के आइटम्स, कैश परचेसेस, डिविडेंड पेड, वेजेस पेड, एक्सपेंसेस पेड, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, टैक्सेस पेड, राइट, फिर परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड, मतलब एक्सपेंसेस पेड बोल दिया मैंने, आ गया, तो ये सब बन गया आपके आउटफ्लोज के आइटम्स। और फिर ई विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक, विच विल बी नथिंग बट सी माइनस डी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक इज नथिंग बट सी माइनस डी, मतलब फॉर एग्जाम्पल जनवरी का ओपनिंग 100 था, टोटल रिसीट 200 हो गया,
तब सब सब टोटल कितना हो गया 300। सपोज आउटफ्लोज आपके 75 है तो क्लोजिंग बैलेंस 225 हो जाएगा जो कि फरवरी का ओपनिंग होगा। अगर यहां का कोई बैलेंस आपका नेगेटिव आता है, जो कि आना नहीं चाहिए, चांसेस है कि आपका आंसर गलत, बट अगर आ जाता है तो आपने अज्यूम करना चाहिए, नोट लिखना चाहिए, नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक इंडिकेट्स बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन विच इज इग्नोर्ड। बराबर है कि नहीं? अगर आपका कैश ऑब्लिक बैंक नेगेटिव आता है, जो कि आना नहीं चाहिए मगर आ गया, तो आपको नोट लिखना पड़ेगा, नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक इंडिकेट्स बैंक ओवरड्राफ्ट, However, in the absence of rate of interest, interest on the same is ignored. Yes, I hope आपको सबको समझ रहा होगा अच्छे से. In the absence of interest rate, interest on the same is ignored. Interest on the same is ignored. Are we done? Yes. इसके अलावा फिर लॉक बॉक्स और कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग, लॉक बॉक्स सिस्टम और कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग, ये दो चीजें थ्योरेटिकली आप देख लेना, ठीक है? लॉक बॉक्स सिस्टम एंड कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग बोथ आर यू कैन से टेक्निक्स टू रिड्यूस द फ्लोट्स। फ्लोट्स मतलब डीले। आपका कैश आपके पास आने में अगर डीले हो रहा है तो आप ये मेथड से क्या कर सकते हो, उस फ्लोट को, उस डीले को कम कर सकते हो। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोट्स? बिलिंग फ्लोट, मेलिंग फ्लोट, देन आपका क्रेडिट पीरियड, फिर मेलिंग फ्लोट वापस आता है, एंड फिर चेक प्रोसेसिंग फ्लोट एंड बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। छह टाइप के फ्लोट्स होते हैं। फिर से एक बार, बिलिंग फ्लोट मतलब गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं मगर बिल नहीं बना अभी तक, बिलिंग फ्लोट। मेलिंग फ्लोट मतलब बिल बन चुका है मगर कस्टमर को नहीं मिला, इन ट्रांजिट है। फिर तीसरा आता है क्रेडिट पीरियड, बिल मिल चुका है मगर पेमेंट नहीं दिया बिकॉज क्रेडिट पीरियड ग्रांटेड है। फिर चौथा आता है मेलिंग फ्लोट, चेक उसने निकाल दिया है, कुरियर से भेजा है मगर हमको नहीं मिला, ट्रांजिट में है, सेकंड टाइप का मेलिंग फ्लोट है। फिर आता है चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, पांचवा टाइप का फ्लोट। आपको चेक मिल चुका है मगर आपने बैंक में उसे जमा ही नहीं किया, आपने प्रोसेस ही नहीं किया आपकी तरफ से। और लास्ट आता है बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट, आपने चेक जमा कर दिया मगर बैंक ने अभी तक वो चेक को क्लियर नहीं किया है, क्लियरिंग टाइम लग रहा है। तो छह टाइप के फ्लोट्स है। इन फ्लोट्स को कम करने के लिए पहला है बिलिंग फ्लोट। बिलिंग फ्लोट को कम करने के लिए रेमेडी क्या है, टेक्निक क्या है? इमीडिएट प्रिपरेशन ऑफ द बिल ऑन द डे ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स। मेलिंग फ्लोट को कम करने के लिए क्या है, यूज फास्टर मेल्स ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ सेंडिंग द बिल लाइक फैक्स, ईमेल एंड फिजिकल कॉपी बाद में जाते रहेगा, ठीक है? फिर क्रेडिट पीरियड को तो ये यूनिट में हम डील करते ही नहीं है। क्रेडिट पीरियड को तो देख लो, हमने लास्ट यूनिट में डील किया है जहां पे हम लोग क्रेडिट पीरियड डिसाइड कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। बराबर, तो क्रेडिट पीरियड एक्चुअली कैश मैनेजमेंट में आता ही नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में आता है। फिर फोर्थ टाइप का जो डीले है, जिसको हमने नाम क्या दिया है मेलिंग फ्लोट। फोर्थ, चेक निकला है मगर हमको नहीं मिला। फिर चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, मिला था मगर हमने डिपॉजिट नहीं किया। देन बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट, हमने डिपॉजिट कर दिया मगर बैंक ने क्रेडिट नहीं मारा अब तक। तो ये तीन टाइप के डीलेस को कम करने के लिए आता है कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग या लॉक बॉक्स सिस्टम। ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, सोचा नहीं पढ़ूंगा बट हो गया वो, ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग लॉक बॉक्स सिस्टम में और कुछ नहीं होता है, डिफरेंस दोनों बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग में आप हर सिटी में क्या करते हो, कलेक्शन एजेंट को अपॉइंट करते हो, और कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग में ऐसा होता है। लॉक बॉक्स सिस्टम में क्या होता है, आप बैंक के बाहर एक पीओ बॉक्स टाइप का बॉक्स हायर करते हो, दैट इज लॉक बॉक्स। समझ गए? तो ये था कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग लॉक बॉक्स सिस्टम। इसके ऊपर अगर आपको कुछ याद आए, नहीं आया, ऐसा कुछ लगे तो मेरा मैराथन देख सकते हो मेरे चैनल पे, पीएस एकेडमी चैनल पे, उसको आपने देखना चाहिए। और वहां पर आपको याद नहीं आएगा तो सब याद आ जाएगा, डोंट वरी, देखने के बाद, ठीक है? चलिए, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चनेयर बुक, ऑल ऑफ यू पेज नंबर 64 ना, यस। पहला क्वेश्चन कल के डिस्कशन पे बेस्ड है, कल हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, तो लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, वहां पे हमने तीन अप्रोचेस डिस्कस किए थे, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव अप्रोच। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए, फर्म हैज द फॉलोइंग डेटा फॉर ईयर एंडेड 31st March 2020, सेल्स आर गिवन टू यू, ईबीआईटी इज गिवन टू यू एंड फिक्स्ड एसेट्स आर गिवन टू यू। थ्री पॉसिबल करंट एसेट्स होल्डिंग आर 5 लाख, 5 लाख के करंट एसेट्स होल्डिंग को मैं कंजर्वेटिव बोलूंगा,
4 लाख को मैं मॉडरेट बोलूंगा, 3 लाख को मैं एग्रेसिव बोलूंगा. डू यू अग्री? क्योंकि एग्रेसिव में आपका लिक्विडिटी कम होता है, कंजर्वेटिव में सबसे ज्यादा होता है. इट इज अज्यूम दैट द फिक्स एसेट्स लेवल इज कॉन्स्टेंट, मतलब जितना फिक्स एसेट्स दिया 5 लाख वो उतना ही रहेगा. एंड प्रॉफिट्स डू नॉट वैरी विद द करंट एसेट्स लेवल. विच प्रॉफिट्स दे आर रेफरिंग टू? दे आर रेफरिंग टू ईबीआईटी. ठीक है. नाउ दे आर सेइंग एनालाइज द इफेक्ट ऑफ 3 अल्टरनेटिव करंट एसेट्स पॉलिसीज. तो करंट एसेट्स पॉलिसीज 3 है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव. एक जगह तीनों जगह सेल्स सेम रहेंगे, तीनों जगह ईबीआईटी सेम रहेंगे, और तीनों जगह आपका करंट एसेट्स अलग रहेगा, फिक्स एसेट सेम रहेगा. तो आप देख रहे हो आपका फिक्स एसेट सेम है, और करंट एसेट्स एक जगह 5 लाख है, एक जगह 4 लाख है, एक जगह 3 लाख है. करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स करेंगे तो टोटल एसेट्स मिलता है. ये कल रेशो में भी बात किया था अपने. तो आपका टोटल एसेट्स कितना है? फर्स्ट केस में 10 लाख, सेकंड केस में 9 लाख, लास्ट केस में 8 लाख. तो सीधा सीधा आप क्या करोगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालोगे, आरओए या आरओआई निकालोगे, विच इज नथिंग बट ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एसेट्स इनटू 100. तो फर्स्ट केस में आपका ईबीआईटी कितना रहेगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख करोगे तो आंसर 20% आएगा. सेकंड केस में यही 2 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख करेंगे तो रिटर्न बढ़ जाएंगे, और लास्ट केस में यही 2 लाख को डिवाइड बाय 8 लाख करोगे तो रिटर्न और बढ़ जाएंगे. तो आप देख सकते हो आपका एग्रेसिव का रिटर्न सबसे ज्यादा है और आपका कंजर्वेटिव का रिटर्न सबसे कम है. तो इससे क्या समझा हमको? इस रिटर्न समझा, करेक्ट. एंड करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स के कंपैरिजन से हमको रिस्क समझ रहा है. तो हमारा रिस्क फर्स्ट केस में कम है, सेकेंड केस में ज्यादा है, थर्ड केस में और भी ज्यादा है. समझ गए? रिटर्न और रिस्क देख रहे हैं हम लोग. तो नीचे कुछ नहीं लिखा है, बस यही लिखा है कि कंजर्वेटिव में रिस्क सबसे कम है, एग्रेसिव में सबसे ज्यादा है, मॉडरेट में बीच में है. रिटर्न्स बढ़ेंगे अगर हम एग्रेसिव की तरफ जाएंगे, रिस्क भी बढ़ेगा मगर एग्रेसिव की तरफ जाने से, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, कैश बजट पर है. मंथली कैश सेल्स आर गिवन टू यू जनवरी से लेकर अक्टूबर तक. मंथली आपको वेजेस एंड सैलरीज भी दिया है अप्रैल से लेकर सितंबर तक. जरा एक वर्ड को देखिए क्या लिखा है, एस्टिमेशन. एस्टिमेटेड अगर है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग कौन से मंथ में है? मार्च एंड. समझा कि नहीं? इसका मतलब जैन फेब मार्च का डेटा एक्चुअल है ऊपर का, और बाकी सब मंथ का डेटा बजटेड है, करेक्ट. मगर फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया तो और बेटर है. क्या बोला है? देखो ना, कैश बजट फॉर 6 मंथ्स आपको बनाना है बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 2020. इसका मतलब आप मार्च एंड पर यू, बराबर. देन आपके पास क्या बोला इन्होंने, 80% ऑफ द सेल्स, 80% आर ऑन क्रेडिट एंड 20% आर ऑन कैश. 75% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड विद इन 1 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ सेल्स, एंड बैलेंस मतलब 25% आर कलेक्टेड इन 2 मंथ्स आफ्टर द सेल. तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल करना है. आपके सेल्स का सीधा सीधा 20% हर महीने में ले लो, और उसके बाद एक महीने पीछे के सेल का पहले 20% निकालकर 80% क्रेडिट सेल्स निकालो. उस क्रेडिट सेल्स का 75% इस महीने में कलेक्ट होगा, 25% नेक्स्ट मंथ में होगा. ऐसा कैलकुलेशन होगा. सेल्स का 20% निकाल दो कैश सेल्स, जो क्रेडिट सेल्स बचा उसका 75% नेक्स्ट मंथ में जाएगा, 25% उसके आगे के महीने में जाएगा, बराबर है. तो कितने, सपोज हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो हमें कितने पीछे जाना है? फेब तक जाना है. जनवरी इज इरेलेवेंट. क्यों इरेलेवेंट है सर जनवरी? क्योंकि जनवरी का कैश सेल्स तो जनवरी में ही आ गया. क्रेडिट सेल्स 75% 75% फरवरी में आ चुका है, और बचा 25 जो है वो मार्च में आ चुका है. हमारे अप्रैल से कोई कंसर्न नहीं है उसका, मगर फरवरी से आगे आपका कंसर्न रहेगा. ठीक है. देर आर नो बैड डेट्स गिवन. बैड डेट्स है ही नहीं फिर. ठीक है, देर आर नो बैड डेट्स. पूरा कलेक्शन होगा इसका मतलब आपका. परचेज अमाउंट्स टू 80% ऑफ सेल्स एंड आर मेड ऑन क्रेडिट एंड पेड इन द मंथ प्रीसीडिंग द सेल्स. सेल्स का 80% पहले तो परचेसेस है, और उसका क्रेडिट पर परचेज हो रहा है, जिसका पेमेंट जो है वो जिस मंथ का सेल है उसके नेक्स्ट मंथ में हो रहा है. प्रीसीडिंग, यस यस. प्रीसीडिंग मतलब क्या हुआ? पिछले में होगा. सेल्स देखिए, सेल्स सपोज फॉर एग्जांपल आपका सेल्स ले लो अप्रैल का. अप्रैल के सेल का 80% क्या है? क्रेडिट परचेस. इसका पेमेंट कब होगा? अप्रैल के एक महीने पहले, मतलब मार्च में होगा. समझे कि नहीं? इस तरीके से आपका पेमेंट होगा. फर्म्स हैव 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज
120,000. Interest on these debentures is to be paid quarterly in January, April and so on. तो जनवरी के बाद 3 महीने बाद अप्रैल आएगा, 3 महीने बाद जून आएगा, 3 महीने बाद नहीं जून नहीं जुलाई आएगा, और उसके 3 महीने बाद अक्टूबर आएगा. तो आपका पेमेंट कब कब होगा बोलो? जैन फेब मार्च निकल गया, अप्रैल, फिर मई जून निकल गया, जुलाई अगस्त सितंबर निकल गया, अक्टूबर. आपके कैश बजट में क्या क्या रहा है? अप्रैल से शुरू है, 6 मंथ्स तक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर. तो आपके पीरियड में 2 इंस्टॉलमेंट आएंगे, एक 1 अप्रैल वाला और एक 1 जुलाई वाला. बराबर है कि नहीं? फर्म इज टू मेक एडवांस टैक्स पेमेंट ऑफ 5,000 रुपीज इन जुलाई. कुछ नहीं करना है, जुलाई में 5,000 का आउटफ्लो दिखाना है. फर्म हैज कैश बैलेंस ऑफ 20,000 ऑन 1 अप्रैल. कैन आई से दिस इज ओपनिंग बैलेंस विच इज द मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश बैलेंस. एनी सरप्लस कैश अबव और डेफिसिट बिलो whatever is made up by temporary investment or liquidation of the temporary investments or temporary borrowing at the end of each month. Interest on this is to be ignored. मतलब तेरा कैश बैलेंस तुझे कितना रखना है? 20,000. जब जब एक्स्ट्रा आएगा इन्वेस्टमेंट में डाल दे, जब जब कम गिरेगा लिक्विडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कर, और भी कम गिरा बोरिंग कर. समझा कि नहीं? तो इस तरीके से आपका वर्किंग होगा और आपका कैश बजट बनेगा. समझे? आप देखिए ये कैश बजट एक्चुअली सॉल्व करने के लिए दिखने में आसान दिखेगा या पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, बट सॉल्व करने के लिए एक्चुअली वक्त लगता है. तो बेटर रहता है कि ऐसे 20-25 मिनट वाले क्वेश्चन को आपने एंड में लेना चाहिए, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स है हर बार. ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अप्रैल को दिया गया और जुलाई को दिया गया. कितने का डिबेंचर था? 1,20,000. उस पर 10% निकालो कितना आएगा? 12,000. 12,000 को डिवाइड बाय 3 करना, 12 × 3 करना पड़ेगा. 12,000 को डिवाइड बाय 12 करेंगे मंथली इंटरेस्ट आएगा, इंटू 3 करेंगे क्वार्टरली इंटरेस्ट आएगा. क्वार्टरली इंटरेस्ट कितना आ गया? 3,000 का क्वार्टरली इंटरेस्ट आया. तो ऑब्वियसली आपका अप्रैल में 3,000 दिख रहा है, जुलाई में भी 3,000 दिख रहा है. समझे? नाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ साई ट्रेडिंग कंपनी. On an average, the debtors are collected after 45 days. Debtors collection period कितना है? 45 days. Inventory have average holding period of 75 days. किसका दिया ये? Inventory का. Credit payments कितने दिन बाद payment होता है? 30 days बाद. Firm spent a total of 1,20,000 annually at constant rate. And it earns 10% on investments. From the above, you are required to calculate the cash cycles and cash turnover. Minimum amount of cash to be maintained to meet these payments as they become due. Savings by reducing the average inventory holding period by 30 days. पहले आपको cash cycle निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? Debtors का collection period, inventory का holding period दोनों को add कर minus creditors का payment period करना पड़ेगा. क्या answer 90 days आता है? तो इज इक्वल टू 90 डेज करो, इसको इज इक्वल टू 90 डेज करो. 45 डेज प्लस 75 डेज माइनस 30 डेज इज इक्वल टू 90 डेज, दैट इज 3 मंथ्स. तो कैश टर्नओवर कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स करो या 360 डिवाइडेड बाय 90 डेज करो. कैश टर्नओवर मतलब कितने टाइम्स वो साइकिल चल रहा है? कितने टाइम्स चल रहा है? 4 टाइम्स. कैश टर्नओवर मतलब कितने टाइम्स वो साइकिल चल रहा है? 4 टाइम्स. मिनिमम क्या बोला इन्होंने? मिनिमम क्या कैलकुलेट करना है आपको? ये पहला निकाल दिया आपने, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन टू मीट दिस पेमेंट्स एज दे बिकम ड्यू. अब इनको जब जब ये ड्यू होंगे तब पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका पूरे साल का आपके पास एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कितना है? 120 लाख का है. तो 120 लाख के इस रिक्वायरमेंट को अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स करूंगा तो मुझे कितना रखना पड़ेगा कैश बैलेंस? कितना रखना पड़ेगा? 30 लाख का. मुझे पूरे साल में 120 लाख का रिक्वायरमेंट है, 4 टाइम्स का कैश टर्नओवर है मेरा, मतलब मुझे कैश बैलेंस कितना रखना है? 30 लाख का. तो ये मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड हो गया, मतलब सेकंड आंसर आ गया हमारा. थर्ड क्वेश्चन है सेविंग्स बाय रिड्यूसिंग द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बाय 30 डेज. कुछ नहीं करना है, ये सेम कैलकुलेशन वापस करना है. इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो आपका ओरिजिनली कितना था पहले? 75, उसको 30 डेज कितने दिन करना है? रिड्यूसिंग बाय 30 डेज बोला है तो 45 डेज पे लाना है. तो उससे आपका नंबर वन
आपका ऑपरेटिंग साइकिल फिर 30 डेज से कम हो जाएगा, मतलब 60 डेज पे आ जाएगा। कैश टर्नओवर आपका 6 टाइम्स इन ईयर हो जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल। एंड फिर आपका 120 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कैश बैलेंस कितना रिक्वायर्ड है, 20 लाख। पहले कितना रिक्वायर्ड था, 30 लाख। कितने का सेविंग हो जाएगा, 10 लाख का रिडक्शन इन कैश बैलेंस रहेगा। 10 लाख का रिडक्शन इन कैश बैलेंस रहेगा, मतलब आपका कैश बैलेंस उतना फ्री हो गया, उसको तू इन्वेस्ट कर दे। इन्वेस्ट जब तू करेगा तो तुझे इंटरेस्ट मिलेगा कितने रेट से, 10% से। तो एनुअल तेरा सेविंग कितना हो जाएगा या अर्निंग कितना होगा, 1 लाख। समझे, है ना, थोड़ा हटकर क्वेश्चन, इजी है मगर हटकर है। इसको एलडीआर मार्क करो, लास्ट डे बिफोर एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पढ़कर जाना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बहुत ही वियर्ड और गलत क्वेश्चन है, जानबूझ के दिया है ताकि आपको समझे कि क्या गलत है इसमें। कंपनीज रिक्वायरमेंट फॉर 10 डेज आर 6,300 यूनिट्स, द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹10, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ₹0.26। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, अंडर रूट 2AO अपॉन C। डू यू नो अंडर रूट, यस। डू यू नो 2, यस। डू यू नो एनुअल रिक्वायरमेंट, नो। 10 डेज रिक्वायरमेंट इज गिवन, बराबर, बट दे हैव कंसिडर्ड दिस 10 डेज एज एनुअल रिक्वायरमेंट। करना चाहिए एनुअल बनाना चाहिए, मगर उन्होंने बनाया नहीं उसको। अब यहां पर ऐसा अजम्पशन है, विनोद सर से भी डिस्कस किया मैंने, तो वो बोल रहे कि कंपनीज रिक्वायरमेंट फॉर 10 डेज आर 6,300 यूनिट्स इज अज्यूम टू बी ऑन एनुअल बेसिस। कुछ वियर्ड है ये मॉड्यूल, ऐसे ही करता है ऐसा विनोद सर बोलते हैं कि मॉड्यूल के ऐसे वर्डिंग से उन लोगों ने इसको एनुअली ट्रीट किया है। आप जानबूझ के इसका फिर सॉल्यूशन मैंने वही रखा जो मॉड्यूल में दिया है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, और नोट में यही लिखना होगा, द रिक्वायरमेंट ऑफ 10 डेज इज अज्यूम टू बी एनुअल इन नेचर। क्या करें, डियर आईसीआई, प्लीज रिफॉर्म, प्लीज मेक चेंजेस, है ना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज हाउ मच, 10। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 10 बराबर लिया। एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 0.26, वो भी बराबर लिया। तो अगर ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 700 यूनिट्स अप्रोक्स आता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने मार्क कर देना चाहिए एलडीआर, बिकॉज ये क्वेश्चन गलत है, इसका सॉल्यूशन गलत सॉल्व किया। आपको भी अनफॉर्चुनेटली मुझे एडवाइस देना पड़ रहा है कि गलत सॉल्व करो आप। ₹365 से सॉल्व किया तो एक्चुअली करेक्ट देना चाहिए, बट डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट दे विल अंडरस्टैंड दिस। बस ऐसा सोचो, रिक्वायरमेंट फॉर 10 डेज फॉर 20 डेज दिया रहेगा तो जितना वो दिया है उतना ही लेना है आपको, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, Marvel Limited uses a large quantity of salt in its production process. Annual consumption is how much? 60,000. ये देखो annual consumption. अब obviously इसको हम बोल सकते हैं कि annual है। ऐसे सॉल्व कर दिया तुमने, 360 के हिसाब से सॉल्व किया सपोज। अच्छा नॉर्मल 10 डेज से सॉल्व किया और गलत दे दिया, कांड से तुम्हारा बैड लक है फिर, क्या करेंगे यार। हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, दोनों आंसर निकाल लो। Annual requirement for the requirement of 10 days considered annually, तो फिर ही answer है। If we calculate by considering 10 days, तो फिर ही answer है। वैसे भी क्या solution is छोटे छोटे ही है। हाँ, तो formula एक बार लिखो, solution दो निकाल लो, क्या करेंगे अभी। हाँ, ऐसा अगर लिखेंगे पेपर में hashtag ICR reform, तो वो एक reform करते हैं, आपको come again बोलते हैं। You divide it for 3 examination and then come again if you have patience. पेपर में कुछ भी नहीं लिखने का, ऐसा दो सॉल्यूशंस कर सकते हो नो डाउट बाय राइटिंग टू डिफरेंट अजम्पशंस। नाउ सी एनुअल रिक्वायरमेंट कितना दिया है, 60,000 टन्स ओवर हाउ मेनी वीक वर्किंग ईयर, 50 वीक वर्किंग ईयर। इट कॉस्ट ₹100 टू इनिशिएट एंड प्रोसेस एन ऑर्डर एंड डिलीवर, फॉलो टेक्स हाउ मच, 2 वीक्स। तो अब बोलिए मुझे ये ₹100 क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, बराबर है कि नहीं। एंड देन दे आर सेइंग द स्टोरेज कॉस्ट फॉर द सॉल्ट आर एस्टिमेटेड टू बी 0.1 पर टन पर एनम, ये बन गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बराबर क्या। द करंट प्रैक्टिस इज टू ऑर्डर ट्वाइस अ ईयर व्हेन द स्टॉक फॉल्स टू 10,000 टन्स
identify an appropriate ordering policy for this company and contrast it with the current cost of you know policy. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके EOQ से फॉर्मूले से आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालना पड़ेगा. तो आपका EOQ का फॉर्मूला है 2AO upon C. इससे आंसर आपका 10,954 टन आता है. जबकि फिर इससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूरे साल में कितने आएंगे, 5.5 ऑर्डर्स. EOQ का डेसिमल में आया तो राउंड ऑफ करना है, इधर नहीं करना है. हाँ ठीक है, 10,900. अच्छा वो टन्स का, हाँ ठीक है, वो राउंड ऑफ कर सकते हो तुम. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए आपके, 5.5 ऑर्डर्स. रीऑर्डर लेवल आपका क्या रहेगा, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है ना आपका 2 into A upon नंबर ऑफ वीक्स. तो रीऑर्डर लेवल आपका कितना है, आपका आपका रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, 2 into एवरेज इन्वेंट्री पर वीक. करेक्ट, 2 into एवरेज इन्वेंट्री पर वीक, क्योंकि यहां पे वीकली डेटा है ना. तो यहां पर 2 into एवरेज इन्वेंट्री पर वीक के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे साल के रिक्वायरमेंट को डिवाइड बाय 50 करना पड़ेगा. करेक्ट, तो इससे आपका आंसर आएगा रीऑर्डर लेवल का. रीऑर्डर लेवल कितना है आपका, 2,400 टन्स. तो टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट कितना है, व्हाट इज योर टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट इन दैट केस, इट विल बी होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट. ये जो आप पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, इस पे आपको होल्डिंग कॉस्ट भी निकालना है एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकालना है. तो फिर आपका होल्डिंग कॉस्ट विल बी 0.1 एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक निकाला ना आपने, ईओक्यू डिवाइड बाई 2 इज योर एवरेज स्टॉक. तो इससे आपको आपका होल्डिंग कॉस्ट मिला. एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा आपको, 100 into नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 5.5. तो इससे सॉल्व करने से आपका आपका टोटल कॉस्ट कितना आया, 1,095 आता है क्या, चेक कर लो. 1,095 आता है क्या, चेक कर लो. कैसे किया समझा ना आपको, होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाला, पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट डिवाइड इनटू एवरेज इन्वेंटरी होल्डिंग. एवरेज इन्वेंटरी होल्डिंग कैसे निकाला, आपका ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2. ऑर्डर साइज आपने सिलेक्ट कर लिया ईओक्यू वाला, करेक्ट. तो ये आपका क्या मिल गया आपको, होल्डिंग कॉस्ट. और उसके बाद ये आया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट 100 rupees पर ऑर्डर इनटू 5.5, वही 5.5 नंबर ऑफ ऑर्डर्स. तो उससे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया. तो टोटल आ गया आपका 1,095, जो भी है राउंड ऑफ 5.5 किया. तो नहीं 5.5 क्यों करोगे ना आप तो जो जैसे इधर कैलकुलेशन दिखा है वैसे ही करोगे. 60,000 डिवाइड बाय आपका जो भी ईओक्यू क्वांटिटी है वो डिवाइड करके नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही आ रहे ना बेटा. तो उसको 5.5 राउंड आउट राउंडेड ऑफ है, तो क्यों राउंडेड ऑफ ले रहे हो ना आप. उससे अच्छा वहां पर कैलकुलेट करके इनटू 100 करोगे तो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस कम आएगा आपका. ओके, एंड यही सेम चीज आपको बस ये ईओक्यू को भूल कर क्या करना है, जो पॉलिसी कंपनी फॉलो कर रहा है वो यूज करना है, उस पर कॉस्ट निकालना है. तो उस पर आपका कॉस्ट कितना आता है, 2,460 आता है. आपका कॉस्ट कितना आ रहा था, 1,095 आ रहा था. इन दोनों का डिफरेंस आपका सेविंग कितना होगा, 1,365 होगा क्या, चेक करो. 2,460 माइनस 1,095, 1,365 का सेविंग होगा. करंट पॉलिसी पे कॉस्ट कैसे निकाला इज द सेम लॉजिक जैसे अभी निकाला अपन ने, वैसी सेम ईओक्यू क्वांटिटी की जगह जो क्वेश्चन में दिया है वो यूज करना पड़ेगा आपको. सिक्स्थ क्वेश्चन पे आए एवरीवन, कैलकुलेशन समझे ना आपको, सेकंड पार्ट का नहीं समझा. टू कंपेयर द ऑप्टिमम पॉलिसी विद द करंट पॉलिसी द एवरेज स्टॉक अंडर द करंट पॉलिसी मस्ट बी फाउंड. पहले आपको एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा. द ऑर्डर इज प्लेस्ड, क्या बोला इन्होंने, रीऑर्डर लेवल का कितना है इनका, 10,000 टन पे है. बट द लीड टाइम मतलब 2 week का जो लीड टाइम है ना आपका, बट द लीड टाइम इज 2 weeks. द स्टॉक यूज्ड इन दैट लीड टाइम विल बी व्हाट, 60,000 तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय 50 इनटू 2 weeks करना पड़ेगा आपको. तो उस 2 weeks के अंदर आपका कंजम्पशन कितने का हो जाएगा, 2,400 यूनिट्स का हो जाएगा. बिफोर डिलीवरी इन्वेंट्री हैज टू फॉल टू दिस लेवल, 7,600 लेवल.
समझे कि नहीं? अरे जब 10,000 यूनिट्स होते हैं तब तुम ऑर्डर करते हो, मगर तुम्हारा यूनिट्स तुम्हारे पास पहुंचने तक वो 10,000 यूनिट्स कहां तक आ रहे हैं? 7,600 तक आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि 2 वीक तो कंजम्पशन चलते ही रहेगा ना। यस, एंड देन द ऑर्डर विल इंक्रीज द स्टॉक टू 30,000 प्लस 7,600। जहां तक तुम्हारा यूनिट्स फॉल हो गया था उसमें 30,000 यूनिट्स ऐड हो जाएंगे, मतलब 37,600 टन्स हो जाएगा आपका स्टॉक। हेंस द एवरेज स्टॉक लेवल विल बी 7,600 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 2 व्हिच कम्स टू 22,600। समझे क्या एवरीवन? तो वो लीड टाइम का रोल यहां प्ले होता है। टोटल कॉस्ट ऑफ करंट पॉलिसी विल बी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर, ये आ गया 200 रुपए, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स इज 22,600, ये वाले यूनिट्स, एंड दैट गिव्स यू टोटल कॉस्ट ऑफ 2,460। वो जो 22,600 यूनिट्स है उसका कैलकुलेशन समझा ना आपको, आपका स्टॉक कहां पर आकर गिर रहा है? 7,600 पर, और फिर आप कितने का लॉट साइज ऑर्डर कर रहे हो? 30,000 का, तो उसको आप क्या कर रहे हो? 30,000 ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 कर एवरेज स्टॉक निकाल रहे हो, प्लस पहले जो स्टॉक था वो, इसलिए आपके पास आप कितना स्टॉक कैरी कर रहे हो वो आ रहा है, दैट इज 22,600। ये सब आपने कॉस्टिंग में किया रहेगा एक्चुअली मटेरियल चैप्टर में। नहीं याद आ रहा तो मटेरियल एक बार रिवाइज कर लो, फिर इस पर आ जाओ, आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, दिस कंपनी हैज करंट सेल्स ऑफ 15 लाख पर एनम, द कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा हट कर अभी ध्यान दो सब लोग। The cost of sales is 75%. The cost of sales is 75% of sales, and bad debts are 1% of sales. Bad debts are 1% of sales. The cost of sales comprise 80% variable and 20% fixed cost. मतलब sales का 75% total cost है, उस cost का 80-20 bifurcation है variable and fixed cost में. While the company's required rate of return is 12%. Company को कितना required चाहिए return? 12% का चाहिए. तो this becomes your finance cost का rate. बराबर क्या? This company allows the customer 30 days credit, but it is considering to increase it to 60 days in order to increase the sales. So, liberalization of policy सोच रहे हैं, अभी 30 days का credit देते हैं, बाद में 60 पर shift होना सोच रहे हैं, तो कितने columns बनेंगे? 2, 30 days and 60 days वाले। It has been estimated that with this change in policy, there will be 15% increase in sales. कितने से sales बढ़ेगा? 15% से, तो नया sales कितना हो जाएगा? 15 लाख plus 15%, कितना? 17,25,000, ठीक है। While the bad debts will increase from 1% to 4%, bad debts पहले कितने थे? 15 लाख का 1%, अब कितने होंगे? 17,25,000 का 4%, समझे कि नहीं? Everyone? Then they are saying, it is not expected that the policy change will result in change in increase in the fixed cost, मतलब fixed cost will remain same, and the creditor and stock will remain unchanged. तो बाकी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट इन दिस विद दैट दिस चेंज इन पॉलिसी विल इंक्रीज द सेल्स बाय 15% बैड डेट्स। ये रिपीट हो गया, ये कट कर दो, ये पैराग्राफ रिपीट हो गया। शुड दिस नहीं है ना, हाँ, शुड दिस कंपनी इंट्रोड्यूस दिस प्रपोज्ड पॉलिसी एनालाइज अज्यूमिंग 360 डेज अ ईयर। अब मुझे बताइए ये रेगुलर क्वेश्चन है क्या? नहीं, थोड़ा हट करें। आपको क्या करना पड़ेगा? आपके एग्जिस्टिंग सेल्स और न्यू सेल्स इसको कंपेयर करना पड़ेगा। चलो डायरेक्टली आंसर का अगर मैं फॉर्मेट डिस्कस करूं आपके साथ, तो आपके नोट्स में ऐसा नहीं सॉल्व है ना, अच्छे से सॉल्व है थोड़ा। यस, ये देखिए आपके सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए, बराबर है क्या? सेल्स कितना है? 15 लाख एंड 17,25,000। सब लोग हैं मेरे साथ? वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? इस सेल का 75% टोटल कॉस्ट, उसका 80%, तो ये आएगा 9 लाख एंड 10,35,000। चेक कर लो आप चाहिए तो, ओके। फिर उसके बाद ये ए माइनस बी करके कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा आपका। फिक्स कॉस्ट जो है विल रिमेन सेम बोला उन्होंने, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सेल्स का 75% का 20% देना पड़ेगा, वो आता है 2,25,000 और वो सेम रहेगा 2,25,000। तो ये आ गया आपका ईबीआईटी दोनों जगह। बैड डेट्स क्या करने पड़ेंगे? सेल्स का 1% एंड सेल्स का 4% लेना पड़ेगा, और ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। यहां तक कोई डाउट?
और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट लेकर टोटल कॉस्ट आएगा, उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विल बी योर फाइनेंस कॉस्ट मल्टीप्लाई कर इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 360 करना पड़ेगा। आपका फाइनेंस कॉस्ट ये दो नंबर्स आएगा और आपका नेट बेनिफिट ये रहेगा। तो आपके नेट बेनिफिट में ज्यादा नेट बेनिफिट कहां पर है, प्रपोज्ड पॉलिसी में। तो हमने क्या बोलना चाहिए, प्रपोज्ड पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड, बराबर है कि नहीं, देख लो अच्छे से एवरीवन, सही है, इजी है। इसी को मॉड्यूल ने कैसे सॉल्व किया आपने देखा ना, इसको मॉड्यूल ने ऐसे सॉल्व किया फॉर नो रीजन। तो इंस्टीट्यूट मतलब मॉड्यूल मतलब पता नहीं कहां से है, बट एनीवेज इंस्टीट्यूट ने ऐसे सॉल्व किया है, हम लोगों को ऐसा नहीं सॉल्व करना है। बाय द वे इन्होंने क्या किया, ये 2250 क्या है, मन में इंक्रीज इन योर डिफरेंस है वो, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लो एक बार आप। है कि नहीं भाई साहब, गजब है कि नहीं इंस्टीट्यूट। लास्ट क्वेश्चन, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अपने अभी अभी डिस्कस किया था, अकाउंट्स पेबल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है ना ये, एग्जांपल भी सेम है। दिस कंपनी परचेसेस रॉ मटेरियल ऑन द टर्म्स ऑफ 2/10 net 30। अ रिव्यू ऑफ द कंपनीज रिकॉर्ड बाय द ओनर मिस्टर गौतम रिवील्ड दैट द पेमेंट्स आर यूजुअली मेड 15 डेज आफ्टर द परचेज। कितना गलत है ना 15 डेज में पेमेंट करना, मतलब डिस्काउंट तो लिया ही नहीं और साथ साथ में जल्दी भी पे कर दिया। Now they are saying, when asked by why the firm is not taking the advantage of discount, the accountant Mr. Rohit replied that it cost only 2% of for these funds, whereas the bank charges us 12%. Kaisa reply diya bhari? Bank 12% hume charge karti hai, jabki yahan kitna to lag raha hai, 2% lag raha hai. Now analyze what mistake is Rohit making. If the firm could not borrow from bank and was forced to resort to the use of trade credit funds, what suggestion might be made to Rohit that would reduce the annual interest cost identify. So obviously Rohit kya mistake kar raha hai, annualized cost of 12% ko 2% cost se compare kar raha hai, wo galat hai. Aur hame kya karna padega, fir 2% ka annualized cost nikalna padega and hame aise hi logic use karna padega, 2 divided by 98 into 100, this cost is for 5 days. Why 5 days? Because they are making the payment in 15 days. So 365 ka kitna, to 365 ka cost kitna aata hai, 149% aata hai. आता है क्या? बराबर है क्या? एनुअलाइज बेनिफिट उसको 149% का मिल सकता था। दिस मीन्स द कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द कैश डिस्काउंट इज 149% एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू करंट पॉलिसी। If the bank facility could not be availed, then in this case, the company should resort to maximum utilization of credit period as possible, of course. Then it should not pay after 15 days, it should pay after 30 days. This will minimize the interest cost because 15 din ka to interest har bar save hoga na? Pure saal mein 15 din ka nahi save hoga. Har bar jab tum purchase karoge, 15 din ka interest save hoga. Easy? Samjha aapko? Yes. So here we can officially say that we are done with your financial management rapid revision batch. And thank you very much. Tomorrow we will start with economics for finance. Do carry your EFF questionnaire book with you because we are going to solve that. And at the same time, do carry your EFF chart book also because that will be the base for EFF. Okay. I won't be covering all the syllabus of economics for finance because it will take a lot of time. Target will be first to complete the EFF questionnaire book because that will give you confirm 15 marks. The moment we complete that, that will give you confirm 15 marks. And then afterwards, of course, 40 में से 15 बहुत ज्यादा होते हैं. और बचे हुए concepts जितने revise कर पाए हम लोग करेंगे, we will keep a target that we should go for maximum 5 days. 5 days के ऊपर नहीं जाना है हमें, 5 days मतलब September end के पहले हमें वो batch को end करना है. And tomorrow's timing will be 5:15 regular time. Okay? Thank you very much, friends. I hope आपको FM का part पसंद आया. ऐसे और इससे और बेहतर तरीके से हम economics for finance पढ़ेंगे. ठीक है? Thank you. Bye bye. See you tomorrow.